अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। पिछले पिछले लेक्चर्स में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जो चैप्टर्स थे वो कंप्लीट किए थे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, जो कि है IAS 19 पे, एम्प्लॉई बेनिफिट पे। इसको हम स्टार्ट करेंगे आज और इसकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको आज ख़त्म करें, और साथ ICAP के जो पास्ट क्वेश्चंस हैं वो भी साथ हम सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने जो लोग चाहते हैं कि इसके क्लासेस हमारी जो है वो ऑनलाइन हमारे साथ ज्वाइन करें, तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करें, हम उनको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो वहाँ पर हम जो इसका लिंक वगैरह शेयर करते हैं तो वो ये क्लासेज जो है लाइव अटेंड कर सकते हैं हमारे साथ। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू अवेलेबल है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप इसको देखें वीडियो को, तो इसको आप अगर अगर पसंद आई तो लाइक करें इसको। तो जितना आप इसको लाइक करेंगे उतनी जो ये सजेशंस में आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको देख सकेंगे और उससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 IAS 19 एम्प्लॉई बेनिफिट। यहाँ जनाब एम्प्लॉई बेनिफिट के बारे में जिक्र होगा, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और IFRIC 14 जो है उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे, और फाइनली जो है कि आपके जो पास्ट पेपर्स हैं कुछ उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम साथ साथ आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसके लिए आज खत्म करेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा अगर देखें तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स होता क्या है। स्टैंडर्ड ही कहता है, IAS 19 वो कहता है कि जितने भी बेनिफिट्स आप जो है एम्प्लॉय को देते हैं या उसके डिपेंडेंट्स को देते हैं, तो वो सारे के सारे बेनिफिट जो हैं वो इस स्टैंडर्ड के अंदर कवर्ड हैं। फिर जनाब ये जो स्टैंडर्ड है ये बात करता है कि वो बेनिफिट जो हैं वो कितनी किस्म के हो सकते हैं। वो बेनिफिट्स जो हैं वो 4 किस्म के हो सकते हैं। पहला तो ये है कि वो कहता है कि बेनिफिट्स अगर आपको आपका जो रिपोर्टिंग पीरियड है अगर 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर के 12 अगले 12 महीने जो हैं इन 12 महीने में आप अपने को बेनिफिट्स पे करने हैं इस साल के, तो वो सारे शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉय बेनिफिट होंगे। फिर जो बेनिफिट आप जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट जो उसको पे करेंगे वो बेनिफिट जो होंगे वो आपके जो है वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो जाएंगे। और अगर आप बीच में को टर्मिनेशन हुई थी और टर्मिनेशन के बाद आप बेनिफिट पे करते हैं इस एम्प्लॉय को, तो वो आपके टर्मिनेशन बेनिफिट हो जाएंगे। इनके अलावा जो भी बेनिफिट होंगे वो सारे आपके एक रेजिडेंट कैटेगरी में आई हुई है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, तो वो सारे के सारे जो है वो आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में आ जाएंगे। तो ये 4 कैटेगरी जो है स्टैंडर्ड में आई हुई है, इन 4 कैटेगरीज के अंदर जो है ये जो है पूरा स्टैंडर्ड फ्लो करेगा। तो इसको हम जो है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द स्कोप एंड प्रिंसिपल, स्कोप एंड बेसिक प्रिंसिपल्स। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करता है, कहता है द डेफिनेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर ऑल फॉर्म्स ऑफ कंसीडरेशंस गिवन बाय एन एंटिटी इन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉयज और फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो वो तमाम के तमाम बेनिफिट्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं एम्प्लॉय की तरफ से, वो सारे के सारे आपके एम्प्लॉय बेनिफिट में शामिल हैं। एम्प्लॉयमेंट कोई किसी हर हर टाइप की एम्प्लॉयमेंट शामिल है। अब पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, एम्प्लॉय डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो सारे के सारे इसके अंदर कवर्ड हैं एम्प्लॉयमेंट में। ए कंपनी मे रिवॉर्ड इट्स एम्प्लॉयज इन वेज अदर देन पेमेंट ऑफ बेसिक सैलरी। एम्प्लॉयर्स ऑफन प्रोवाइड इन एंटाइटलमेंट ऑफ पेड हॉलीडेज, पे एन एनुअल कैश बोनस टू सम एम्प्लॉयज और प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद कंपनी कार्स, मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन बेनिफिट। तो ये सारे जितने भी बेनिफिट्स हैं ये सारे के सारे जो है आपके इसके अंदर कवर्ड है। क्या शामिल नहीं है? सम एम्प्लॉयज
ऑल्सो रिसीव शेयर्स और शेयर ऑप्शंस। इसके लिए जो है हमारे पास जो है अलग से जो है वो IFRS 2 दिया हुआ है, तो उसके अंदर ये बेनिफिट कवर्ड है। अगर आपको कुछ शेयर स्कीम मिलती है, कुछ शेयर्स मिलते हैं आपको, तो वो सारी शेयर स्कीम जो है वो IFRS 2 जो इसमें है उसमें कवर्ड है, तो वहाँ पे जो है इसको हम देखेंगे। यहाँ पे वो बेनिफिट जो है वो यहाँ पे जो है आउट ऑफ स्कोप है, उसके बाद हम ये स्टैंडर्ड में नहीं करेंगे। कहते हैं IFRS 9 प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन अकाउंटिंग फॉर ऑल फॉर्म ऑफ बेनिफिट्स एक्सेप्ट शेयर बेस्ड पेमेंट्स। IFRS 9 इज सेट आउट रूल्स फॉर अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर फॉर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, फॉर नंबर वन आपके शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, नंबर टू पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज फॉलोइंग रिटायरमेंट बेनिफिट ईजी पेंशंस लमसम पेमेंट्स ऑफ रिटायरमेंट एंड अदर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ इंश्योरेंस एंड पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर। तीसरे नंबर पे क्या कहता है, कहता है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जिसको हमने भी कहा था कि रेजिडेंट कैटेगरी है जो तीन कैटेगरी में फिट नहीं होगा, यहाँ फिट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म पेड एब्सेंसेस हैं आपके सच एज लॉन्ग सर्विस लीव एंड सेबेटिकल लीव्स जुबली एंड अदर सर्विसेज लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट्स एंड फाइनली जो है वो आपका टर्मिनेशन बेनिफिट है। तो ये चार कैटेगरीज में इसने डिवाइड किया है, जो यहाँ पे हम चारों के चारों जो है वो वन बाई वन जो है वो डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है जिसका, कहता है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ IAS 19 इज दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय शुड बी मैच विद द पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय वर्क अर्न द बेनिफिट्स। वो कहता है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है वो आपने लेके चलना है कि जिस पीरियड में आपका एक्सपेंस हो रहा है उसी पीरियड में जो है वो आप उसकी इनकम भी बुक करेंगे। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज इवन व्हेन द बेनिफिट्स आर पेबल इन फ्यूचर सच एज पेंशन बेनिफिट्स। IAS 19 रिक्वायर्स एन एंटिटी टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज क्या करना आपने, अ लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी व्हेन एन एम्प्लॉई हैज प्रोवाइडेड द सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट्स दैट विल बी पेड इन फ्यूचर। आपने सर्विस ली और आपने पेमेंट फ्यूचर में करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप एक लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे। और आपने एक रिकॉग्नाइज करना है, क्या रिकॉग्नाइज करना है, एक एक्सपेंस व्हेन द एंटिटी मेक्स यूज ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉई। तो जैसे ही आपने सर्विसेज ली आपने एक्सपेंस बुक करना है, और आपने इसके साथ गेन जो है एक लाइब्रेरी बुक करनी है, और एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, आप पी एंड एल को डेबिट कर देंगे और टू पेबल अकाउंट को जो है वो क्रेडिट कर देंगे। द बेसिक डबल एंट्री मे देयरफॉर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट्स डेबिट एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट क्रेडिट लाइब्रेरी फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। अब बात करते हैं जी पहले इसकी जो है वो टाइप्स की, वो है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर एम्प्लॉय बेनिफिट्स दैट एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड होली विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ द एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड इन विच द एम्प्लॉय रेंडर्ड अ सर्विस। अब सपोज करें कि आपकी क्लोजिंग कब हो रही है, आपकी क्लोजिंग जो है वो 31/12/2022 को है, तो अब शॉर्ट टर्म बेनिफिट कौन से होंगे, वो तमाम बेनिफिट्स जो फॉल करेंगे 1/1/2023 से लेके 31/12/2023 तक। तो जितने भी बेनिफिट आपने इस पीरियड में पे करने हैं वो सारे के सारे बेनिफिट क्या होंगे आपके, वो आपके शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट होंगे। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंक्लूड, इसमें क्या शामिल है जी, इसमें वेजेस, सैलरीज, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस, पेड एनुअल हॉलीडेज, पेड एब्सेंसेस, सिक लीव्स, प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान्स, अदर बेनिफिट्स नॉट इन अ मॉनेटरी फॉर्म सच एज मेडिकल इंश्योरेंस, फ्री एकोमोडेशन। तो ये सारे के सारे जो है इसकी एग्जाम्पल्स हैं जो इसके अंदर शामिल होंगे। द एक्सपेंस मस्ट बी अकाउंटेड फॉर ऑन एन अक्रूवल बेसिस एंड अनपेड इंटाइटलमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज एज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो जो आपकी अनपेड होंगी उसको आप क्या करेंगे, उसको आप चाहे जो है वो कैश क्रेडिट होगा तो आप एक लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंटिंग ऑफ द लाइबिलिटी टू अ प्रेजेंट वैल्यू इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज द पेएबल विद इन 12 मंथ्स। तो ये नेक्स्ट 12 मंथ पे हो रहे हैं तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग जो नहीं होगी। शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस, समटाइम्स एन एंटिटी मे पे एम्प्लॉइज फॉर एब्सेंसेस फॉर वेरियस रीजंस, दिस हॉलीडे सिकनेस एंड मैटरनिटी लीव्स। Entitlement of paid absences fall into two categories. दो कैटेगरी कौन सी है, नंबर वन क्या है, accumulating,
और दूसरी कौन सी है जो आपकी एक्युमुलेट नहीं होगी। एक्युमुलेटेड में क्या होगा जनाब, कहता है कैरी फॉरवर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर पीरियड्स इफ द करंट पीरियड इंटरटेनमेंट इज नॉट यूज इन फुल। वो कहता है अगर आप इस साल की छुट्टियां हैं, आपने 30 छुट्टियां आपकी आपने नहीं ली, तो ये अगले साल ट्रांसफर हो जाएगी, तो आप इसको अगले साल अवेल कर सकते हैं। एक्सपेंस एंड लाइब्रेरी इज रिकॉग्नाइज व्हेन इंप्लाइज रेंडर सर्विसेज दैट इंक्रीजेस देयर इंटरटेनमेंट टू फ्यूचर पेड एब्सेंसेस। तो कहता है आपने जो है एक्सपेंसेस भी हैं और लाइब्रेरी बुक करनी है। इज रिकॉग्नाइज व्हेन, कब, इंप्लाई रेंडर सर्विसेज दैट इंक्रीजेस देयर इंटरटेनमेंट ऑफ टू फ्यूचर एब्सेंसेस। कि आपने इस साल सर्विस दी और इसकी वजह से आपने छुट्टियां नहीं की, तो अब फ्यूचर में क्या है आपको, फ्यूचर में आपने छुट्टियां करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक एक एक्सपेंस भी बुक करना है, और इस महीने और इस महीने इस साल जो है आपको उसकी जो है वो एक लाइब्रेरी वो करनी है। फिर कहता है मेजर्ड एट एडिशनल अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड टू बी पेड एज अ रिजल्ट ऑफ द अनयूज्ड एंटरटेनमेंट एक्युमुलेटेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ उसका क्या कह रहा है। देखिए क्या ये है कि अभी जो है सपोज करें 2000, अभी हमारे पास पीरियड कौन सा है 2022 चल रहा है। अब एक हमारे पास सिपाही है, हमने उसको कहा, हमने कहा सर आपने 11 महीने काम करना है, 1 महीने की आप छुट्टी करेंगे और 12 महीने की आपको हम सैलरी पे करेंगे, ठीक हो गया जी। उस बंदे ने कहा ठीक है, उसने 11 महीने काम किया, 1 महीने छुट्टी की, हमने कहा 12 सैलरी इसकी हो गई, इसकी जो सैलरी है पर मंथ जो सैलरी है, पूरे साल की सैलरी बनती है 12,000, 12,000 इसकी सैलरी बनती थी। इसने हमने इसको कहा कि 11 महीने आओ, 1 महीने छुट्टी करो, उसने कहा ठीक है, 11 महीने उसने काम किया, 1 महीना छुट्टी पर रहा। हमने उसको 12,000 सैलरी पे किया, हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में और टू कैश, कैश ले गया वो। अब आया नेक्स्ट ईयर 2023 आया, हमने कहा वही रूल है सर, आप 11 महीने काम करेंगे, 1 महीना छुट्टी करेंगे। अब उसने क्या किया, उसने कहा सर मैं 1 महीना छुट्टी नहीं करूंगा, कोविड चल रहा है, मुझे मुझे घर नहीं जाना, मैं 12 महीने काम करूंगा। हमने कहा ठीक है 12 महीने आप काम करें, अब 1 महीना जो आप छुट्टी नहीं करेंगे वो छुट्टी आप अगले महीने अगले साल कर लीजिएगा, एक्युमुलेटेड है ना, ये अगले साल ट्रांसफर हो जाएगी। अब स्टैंडर्ड कहता है, स्टैंडर्ड कहता है सर उसने 12 महीने तो उसने अर्न किए और 1 महीना जो है उसकी छुट्टी कैरी फॉरवर्ड हुई है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जो सैलरी अकाउंट है उसको आप डेबिट करेंगे 13 सैलरियों से, 13,000 से, और आप कैश करेंगे क्रेडिट, कितना कैश लेके जाएगा उससे 12,000 लेके जाएगा और 1,000 जो है वो सैलरी पेबल के नाम से आप प्रोविजन बुक करेंगे इसकी, ठीक है। तो इसी साल आप अगर एक्सप्रेस बुक करना है, इसी साल में लाइब्रेरी बुक करनी, यही आपको स्टैंडर्ड कह रहा है। स्टैंडर्ड आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड कह रहा है कि यहाँ पे देखे कहता है एक्सपेंस एंड लाइब्रेरी, एक्सपेंस एंड लाइब्रेरी रिकॉग्नाइज व्हेन द प्राइस रेंडर द सर्विस दैट इंक्रीज द एंटाइटलमेंट ऑफ फ्यूचर पेड एब्सेंसेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको फ्यूचर पेड एब्सेंसेस जो है उसकी वजह से उसको मिलनी है, तो हम उसकी इसी साल जो है 2023 में क्या क्या करेंगे, हम इसी साल जो है उसकी उसका एक्सपेंस भी बुक करेंगे और उसकी लाइब्रेरी भी बुक करेंगे। अब आगे क्या होगा कि दो चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे। एक चांस क्या हो सकता है, वो कहे जी ना मुझे इनकैशमेंट दे दो पिछले साल की लीव, मुझे मुझे पिछले साल जो मैं छुट्टी नहीं करनी, मुझे इनकैशमेंट दे दो, या वो कह सकता है ठीक है मैं छुट्टी करता हूँ, मुझे छुट्टियाँ दे दो। अगर वो इनकैशमेंट करेगा तो क्या करेगा, वो कहेगा जनाब इस साल आप 11 महीने काम करेंगे, 1 महीने छुट्टी करेंगे, क्योंकि 1 महीने की छुट्टी बहुत है मेरे लिए, पिछले महीने की एक छुट्टी मेरा जो है वो मुझे आप क्या करें, वो मुझे इनकैश कर दें। या वो कहेगा सर आप मुझे ऐसा करें 2 महीने की छुट्टी दें, पिछले साल नहीं गया था, इस साल मैं जाऊंगा 2 महीने के लिए जाऊंगा, तो 1 महीने की छुट्टी इस साल की मुझे दें और 1 महीने की छुट्टी मुझे पिछले साल की दें। अब स्टैंडर्ड कहता है यहाँ पे उसने कितना अर्न किया, यहाँ पे उसने 12,000 अर्न किया, ठीक है जी, तो सैलरी कितनी हुई उसकी, हुई 12,000, राइट। अब वो कैश कितना लेके जाएगा यहाँ पे, वो पिछले साल का भी कैश लेके जाएगा, वो आपसे 13,000 कैश लेके जाएगा, पिछले साल 1 महीने की उन्हें इन्वेस्टमेंट कर लेनी है आपसे। तो यहाँ पे जो है आपका सैलरी पेबल जो है वो जो आपने प्रीमियम बना के रखी हुई है पिछले साल, वो यहाँ पे आप यूज करेंगे उसकी एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने कहा सर देखिए मैं जो है मैं 11 महीने, 1 महीने, 11, 10 महीने काम करूंगा, 1 महीने की मेरी साल की छुट्टी है
और एक साल एक पिछले साल की छुट्टी आ रही है वो भी मैं लूंगा आपसे। तो वो अर्न कितना करेगा? अर्न वो इस साल ये करेगा, ये पिछले साल का है, तो जो सैलरी उसका एक्सपेंस है यहाँ पे वो डेबिट होगा 11,000 से, और कैश कितना लेके जाएगा वो आपसे 12,000। तो एक चल जाएगा सैलरी पेएबल में से, हम एक साल एक पिछले साल का जो है वो प्रोविजन से माइनस करेंगे, तो ये एंट्री जो है आपकी इस तरह फ्लो में जाएंगी। उसके बाद वो आपसे बात करता है जनाब, कहता है कि नॉन एक्युमुलेटेड क्या होगा, एक्युमुलेटेड क्या होता है, अनयूज अमाउंट कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। तो नॉन एक्युमुलेटेड है, आप छुट्टी करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला, बात खत्म हो जाएगी। एक्सपेंस लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द एब्सेंस अकर, तो जिस साल वो छुट्टी करेगा उसी साल एक्सपेंस बुक होगा, लायबिलिटी बुक होगी, अगले साल तो ट्रांसफर ही नहीं होनी, तो वो सारा खेल जो पिछले अभी अभी पिछले पॉइंट में सीखा है वो यहाँ पे होने। प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान, द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस पेमेंट्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज व्हेन एंड ओनली व्हेन द एंटिटी हैज अ प्रेजेंट लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू मेक सच पेमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ पेमेंट एंड द रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द ऑब्लिगेशन कैलकुलेट। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये बोनस और ये क्या चीज़ है, ये बोनस शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान क्या है, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे डिविडेंड से। डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर को पे होता है, ये जो बोनस शेयरिंग और बोनस प्लान जो है ये एम्प्लॉइज को पे होते हैं। तो डिविडेंड में हमने में रूल हमारा क्या है कि जिस साल को वो डिक्लेयर होता है उसी साल को एक्सपेंस बुक होता है, लेकिन बोनस प्रॉफिट शेयरिंग के बोनस प्लान क्या होता है, ये अगर डिक्लेयर्ड आज 2023 में हो रहा है लेकिन ये रेलिवेंट टू 2022 है, तो ये 2022 का एक्सपेंस बुक होगा ये। तो इसका एक्सपेंस जो है पिछले साल हम प्रवीण डाल के इसको, जब तक अगर हमारे फाइनेंशियल क्लोज नहीं हुए भी, अभी हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग नहीं हुई है, फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल जो है वो पिछले साल के फाइनलाइज नहीं हुए हैं, उससे पहले हमने जो है ये बोनस प्लान जो है ये इशू कर दिया है, तो हम क्या करेंगे इसको पिछले साल में बुक करेंगे ताकि हमारा जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जाए, ठीक है जी। तो ये एक लीगल जो है इसको आप कह सकते हैं कि ये एक लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप पिछले साल से बुक करेंगे, बेशक डिक्लेयर और जो है ये साल हुआ है लेकिन क्योंकि अभी फाइनेंशियल क्लोज नहीं हुए हैं, तो इसको क्या करेंगे हम इसको पिछले साल जाके बुक करेंगे। ए रिलायबल एस्टिमेट ऑफ लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अंडर अ प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान कैन बी मेड व्हेन एंड ओनली व्हेन द फॉर्मल टर्म्स ऑफ द प्लान कंटेन द फॉर्मूला डिटरमिनिंग द अमाउंट एंड एंटिटी डिटरमिन द अमाउंट टू बी पेड बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑथोराइज। तो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑथोराइज नहीं हुई है, अगर तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है क्लोज हो चुकी है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूवल दे चुकी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो फिर तो आप नहीं इसी साल करेंगे, अदरवाइज उसको आप जो है पिछले साल में बुक कर लेंगे। पास प्रैक्टिस गिव्स क्लियर एविडेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ एंटिटीज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट व्हेन एंड ओनली व्हेन द एंटिटी हैज नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव बट टू मेक द पेमेंट। यहाँ पे उसने बात की आपसे, अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने बात क्या की आपसे, एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की बात की उसने आपसे, उसने कहा ये लीगल होगा एंड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आपकी होगी, ठीक है। लीगल कंस्ट्रक्टिव और एक और होती है कॉन्ट्रैक्टिव ऑब्लिगेशन, ऐसी ऑब्लिगेशन जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपने पे करना है, वो IAS 19 में कवर्ड है। ऐसी ऑब्लिगेशन जो बाई लॉ है वो आपने पे करनी है, वो यहाँ पे IAS 19 में कवर्ड है। कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है जो आपकी बिजनेस की प्रैक्टिस के तौर पे आप पे करते हैं, तो वो भी जो है IAS 19 में जो कवर्ड है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपने मुझे देना है, नहीं तो फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं आंसर करूंगा। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन, मेरा है क्वेश्चन आपको बताता हूँ, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है। क्वेश्चन ये है कि एक एम्प्लाई है, वो एम्प्लाई की जो है वो किसी हादसाती तौर पे जो है फैक्ट्री के अंदर डेथ हो जाती है। अब उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको जो है वो कोर्ट में जाते हैं और उनसे उनको एक जो है 1 मिलियन की कंपनसेशन कंपनी देती है। अब आपको मुझे ये बताना है कि जो 1 मिलियन की कंपनसेशन दी गई है क्या ये इस आईएस में कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है, और अगर ये इस आईएस में कवर्ड है तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है जी। तो ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे, तो जो आप देखिएगा मुझे इसका आपने जवाब देना है। आगे जो बात करते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट की, टर्मिनेशन बेनिफिट क्या होते हैं, कहता है डेफिनेशन क्या है, टर्मिनेशन बेनिफिट्स आर एम्प्लॉई बेनिफिट्स प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉई एम्प्लॉयमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ आइदर द एंटिटी डिसीजंस टू टर्मिनेट द एम्प्लॉई बिफोर द नॉर्मल रिटायरमेंट डेट और द एम्प्लॉई डिसीजन टू एक्सेप्ट एंड ऑफर, जिस तरह बोनस प्लान होते हैं गोल्डन शेयर होते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले,
तो उसको आप कहेंगे उस टाइम जो बेनिफिट पे होंगे वो आपके बेनिफिट जो है वो टर्मिनेशन बेनिफिट होंगे। हाउएवर टर्मिनेशन बेनिफिट डू नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ एम्प्लॉय विदाउट एनी ऑफर, फॉर एग्जाम्पल रेजिग्नेशन। अगर वो रेजिग्नेशन दे देता है ठीक है जी, तो उसको आप टर्मिनेशन नहीं कहेंगे। और एज अ रिजल्ट ऑफ मैंडेटरी रिटायरमेंट बेनिफिट द एम्प्लॉय लीजिए 68, उस 68 हो गया वो रिटायर्ड हो गया है, तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो ये पोस्ट रिटायरमेंट, इसको हम कहेंगे ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है, ये टर्मिनेशन बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो उसके उसके एज पूरी हो गई 60 ईयर्स की और वो रिटायर्ड हो रहा है। सम एंटिटीज प्रोवाइड अ लोअर लेवल ऑफ बेनिफिट फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय इस इन सब्सटेंस द पोस्ट टर्म बेनिफिट देन फॉर टर्मिनेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एंटिटी। तो आपने डिसीजन करना है कि आपने देखना है कि ये आपके जो टर्मिनेशन बेनिफिट हैं ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं होना चाहिए। टर्मिनेशन बेनिफिट वही होंगे जब आप जाते मिले को टर्मिनेट करेंगे या आप गोल्डन शील्ड हैंड जैसी स्कीमें निकालेंगे जिसको वो एक्सेप्ट करके जो है वो जॉब से निकल जाएगा। इसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे और इसकी मैयमेंट कैसे होगी अभी देखेंगे हम। कहता है एन एंटिटी मस्ट रिकॉग्नाइज लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस ऑफ द टर्मिनेशन बेनिफिट एट द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। तो वो कहता है इसको आपने इसकी लाइबिलिटी बनानी है, इसका एक्सपेंस बनाना है, एंटिटी पास करनी है एक्सपेंस टू डेबिट व्हेन द एंटिटी कैन नो लॉन्गर विदड्रॉ द ऑफर फॉर दोज बेनिफिट। कहता है कि एम्प्लॉय ने बेनिफिट ऑफर दी, एम्प्लॉय ने ऑफर दी कि जनाब आप जो है हम आपको गोल्ड शेयर है शेयर दे रहे हैं और आज आज अब जून का महीना है, आज जुलाई का महीना है, तो हमने कहा ये ऑफर कब तक अवेलेबल है, दिसंबर तक अवेलेबल है, आप चाहो तो दिसंबर तक हमें बता दो और गोल्ड शेयर लेके निकल जाओ। तो वो कहता है व्हेन द एंटिटी नो लॉन्गर विदड्रॉ, तो अभी इसने विदड्रॉ नहीं की, क्यों हम विदड्रॉ कब करेंगे, या तो हम इसको विदड्रॉ कर लें अगस्त में, अभी हमने विदड्रॉ नहीं की और हमने ऑफर दी अभी विदड्रॉ नहीं की। एंड व्हेन द एंटिटी रिकॉग्नाइजेस कॉस्ट फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग विद इन द स्कोप, और हमने क्या किया या हमने और हमने जो है उसकी प्रोविजन बुक कर ली कि यार हम ये बंदे छोड़ के जाएंगे, हमने कहा 50 बंदे हैं जो ये गोल्डन शेयर ले लेंगे, उनके इतना कुछ का इतना खर्चा आएगा, तो सारा हमने प्लान कर लिया और हमने क्या किया हमने उसकी प्रोविजन डाल दी कि इतना इतना खर्चा होने वाला था। तो अगर हम ये अपने काम कर लिया है तो हम क्या करेंगे, हम टर्मिनेशन बेनिफिट को जो है वो रिकोगनाइज कर देंगे। इसकी मेजरमेंट कैसे होगी, टर्मिनेशन बेनिफिट्स आर मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट, दैट इज टू से शॉर्ट टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट और पोस्ट रिटायरमेंट। तो कहता है कि टर्मिनेशन बेनिफिट को आपको देखना पड़ेगा कि अगर तो मैंने बेनिफिट अगले 12 महीने में पे करने हैं तो मैं इसको शॉर्ट टर्म बेनिफिट की तरह ट्रीट करूंगा, लेकिन अगर मैंने इसको आफ्टर 2 ईयर्स पे करना है तो मैं इसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तरह ट्रीट करूंगा, या अगर ये जो है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट की तरह है, ये कंट्रीब्यूशन प्लान में जा रहा है या डिफाइंड बेनिफिट प्लान में जा रहा है, तो मैं उसको उसको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट में ही जाके जिस तरह उसकी काउंटिंग करता हूँ। तो काउंटिंग जो इसका है वो पर्टिकुलर जो 3 अलग हमारी कैटेगरीज हैं, जैसे काउंटिंग वहाँ पर हो रही है वैसे ही काउंटिंग जो है इसकी करेंगे, हम देखेंगे कि इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उसी कैटेगरी में जाके क्लास में जाकर हम इसकी काउंटिंग करेंगे। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट की, डेफिनेशन क्या है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स दैट आर एम्प्लॉय बेनिफिट्स अदर देन शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स पोस्ट टर्म बेनिफिट्स और टर्मिनेशन। तो वो कहता है कि अदर देन इन तीनों के अलावा जो भी है, तो मैं हमने पहले ही कहा था कि ये रेजिडुअल है, तो रेजिडुअल कौन सा हुआ, वो कहता है देखिए कोई इन तीनों में से अगर किसी में भी नहीं है फिट हो रहा तो इसने फिट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो रेजिडुअल कैटेगरी है कि उन तीनों में देख लें, अगर पहले अगर उसमें तीनों में फिट होता ठीक है, नहीं फिट होता तो उठा के यहाँ पे फिट करते हैं। An entity must recognize net liability as assets for any other long-term benefits. This is measured as the present value of obligation less. तो आपने क्या करना है, अगर क्योंकि लॉन्ग टर्म है, आफ्टर आफ्टर 12 मंथ जो है ये पे होंगे, तो इसको आपने प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है पहली बात, और क्या करना है इसमें लेस करना है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स सेट असाइड टू मीट द ऑब्लिगेशन, और अगर आपके कोई एसेट्स वगैरह इसमें आपने रखे हुए साइड में तो उसमें से आप उसको नेट ऑफ कर देंगे। मूवमेंट इन द अमाउंट फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर आपने जो है वो P&L में रिकॉग्नाइज करनी है, ठीक है जी। अब आपका आ जाता है जनाब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्या है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स डेफिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पेंशन और डेफिनेशन ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके हम अंदर इसके अकाउंटिंग इसकी मेजरमेंट वगैरह जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एसेट सीलिंग है, एसेट सीलिंग क्या होती है, मल्टीपल एम्प्लॉय प्लान क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे है, डिस्क्लोजर कैसे है, सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेशन देखें पहले क्या कहता है, कहता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आर एम्प्लॉय बेनिफिट्स अदर देन टर्मिनेशन बेनिफिट शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट दैट आर पेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट।
तो टर्मिनेशन के अलावा इम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है, रिटायर होकर जा रहा है, रिजाइन देकर जा रहा है, तो उसका तो जो है उसके बेनिफिट हम पे करेंगे, उसको हम कहेंगे कि आपके जो है वो इम्पोस्ट इम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोस्ट इम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इज आर रिटायरमेंट पेंशन, बट देयर मे ऑल्सो भी पोस्ट इम्प्लॉयमेंट लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल केयर, आपकी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। डेफिनेशन क्या है पोस्ट इम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान्स? प्लान्स क्या हैं जी? आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अरेंजमेंट अंडर विच एन एंटिटी प्रोवाइड्स पोस्ट इम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फॉर वन और मोर, चाहे ये फॉर्मल है चाहे ये इनफॉर्मल है, वो सब के सब जो है इसके अंदर शामिल होंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ पोस्ट इम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। नंबर वन, तो इम्प्लॉयमेंट पोस्ट बेनिफिट दो टाइप के होते हैं, उसमें एक होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और दूसरा क्या होता है इसमें इसमें होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। इनके डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स आर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स अंडर विच एन एंटिटी पेज फिक्स कंट्रीब्यूशन इन टू अ सेपरेट एंटिटी अ फंड एंड विल हैव नो लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू पे फर्दर कंट्रीब्यूशन इफ द फंड डज नॉट होल्ड सफिशियंट एसेट्स टू पे ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉय सर्विसेज इन द करंट एम्प्लॉय पीरियड। वो कहता है क्या है, कहता है कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने क्या किया, उसने कहा कि मेरे मेरे ही बंदे हैं, 1,000 बंदे मेरे पास काम कर रहे हैं और ये बंदे जो हैं आज से जो है 10 साल बाद छोड़ के जाएंगे, और जब ये छोड़ के जाएंगे तो मुझे इसको 2 मिलियन पे करना है एम्प्लॉयज को। तो वो क्या करता है, वो हर साल 10 10 मिलियन को डिवाइड करता है 10 पे, 1 मिलियन की फिगर बन गई, वो हर मिलियन 1 मिलियन की फिगर जो है वो उठा के किसी गवर्नमेंट के किसी फंड में डाल देता है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रोविडेंट फंड का एक इदारा है, गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, तो वो उस इदारे के पास जाता है, उसको कहता है सर मेरे पास 1,000 बंदा काम कर रहा है और इसको मैंने जो है एंड पे जो है जब ये रिटायर्ड होकर जाएंगे तो इनको हमने क्या करना है, इनको हमने प्रोविडेंट फंड देना है, और इनका जितना प्रोविडेंट फंड 1 साल का बनता है वो हम आपको ला के जमा करा देंगे। तो जब ये बंदे छोड़ कर जाएंगे, ये बंदे आपके पास आएंगे, आप इनको जो है इनको आप सेटलमेंट कर दीजिएगा। तो वो गवर्नमेंट का इदारा होता है, वो गवर्नमेंट का इदारा कहता है ठीक है पैसे आप हमें दें, वो जो है इन कंपनी से पैसे लेता है और पैसे लेके वो कहीं इन्वेस्ट कर देता है। तो जैसे ही एम्प्लाई जो है वो यहाँ से रिटायर होता है तो कंपनी उसको कुछ नहीं देती फाइनेंस सेटलमेंट में, वो कहती है आप उस गवर्नमेंट के इदारे के पास जाएँ, वहाँ से जाके अपनी फाइनेंस सेटलमेंट ले लें। वो एम्प्लाई वहाँ पर आता है, वो कहते हैं मैं जनाब पुरानी कंपनी में काम कर रहा था, मैं छोड़ के आ गया हूँ, अब मुझे जरा मुझे जो है वो मेरी फाइनेंस सेटलमेंट दे दें, तो वहाँ से उसको जो है फाइनेंस सेटलमेंट मिल जाती है। अब ये जो इदारे होते हैं ये गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है प्रोविडेंट फंड के द्वारा, इसका इसका जो है वो एक्ट है, गवर्नमेंट का एक्ट है, उस एक्ट के तहत काम कर रहा है। ये लोग क्या करते हैं, भाई ये लोग उन कंपनीज से क्या करते हैं, जो कंपनी इसके अंडर अंडर आई होती हैं, जो इनको पैसे दे रही होती है, वहाँ पे ये अपने ऑर्डर भेजते हैं कि भाई जाके चेक करके आओ कि इन बंदों का जो है वो इतने ही पैसे बनते हैं, ये हमें सही पैसे दे रहे हैं, ये डंडिया तो नहीं मार रहे। तो उनका ऑडिट होता है बकायदा, और वो एक लॉ है हमारा प्रोविडेंट फंड एक्ट है, उसके तहत जो है वो कंपनी जो है वो उसमें कंट्रीब्यूशन जमा कराती है, और उस पर क्या होता है एट द एंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि कंपनीज के ऊपर कोई को टेंशन नहीं होती कि मैंने एम्प्लॉय को पैसे पे करने हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज होती है, उस पर कोई रिस्क नहीं होता। अब अगर वो जो प्रोविडेंट फंड वाला महकमा है, वो जो ट्रस्ट है, अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो एम्प्लॉय को पैसे पेमेंट ना कर सके, तो उसमें एम्प्लॉयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, वो उस इदारे पर आ जाती है जो आपके पैसे लेके ये सेटलमेंट कर रहा है आपकी। तो इसलिए कहते हैं कि जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है इसमें जो है एम्प्लॉयर के पास कोई रिस्क नहीं रहता, बस उसका काम ही होता है कि जितने उसके उसको उसको जो 1 साल के अंदर जो उसने ड्यू हैं जो वो उठा के सारे पैसे जो है वो उसको ट्रांसफर कर दे, तो और अगर वो ट्रांसफर नहीं कर रहा तो उसकी ग्रेजुटी बुक कर दे कि चलो मैं इस साल नहीं दे सका पैसे, मैं अगले साल सारे को पैसे दे दूंगा। दूसरा बेनिफिट प्लान क्या, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स आर पोस्ट बेनिफिट प्लान्स अदर देन डिफाइंड। तो अब क्या होता है कुछ कंपनी कहती हुई कहती है यार हम इन पर ट्रस्ट नहीं करते, हम जो है वो खुद एम्प्लॉयज की फाइनेंस सेटलमेंट करेंगे, तो वो क्या करते हैं वो खुद जो है वो किसी प्लान्स में नेशनल प्लान में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से उनको रिटर्न आती है और फिर वो अपने प्लान्स को खुद पेमेंट करते हैं। तो ऐसे जो प्लान होते हैं उसको आप कहते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान। इसमें जो ऑब्लिगेशन होती है वो एम्प्लायर के ऊपर ही होती है कि उसी ने पेमेंट करनी है एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट। इसको हम दोनों प्लान को डिटेल में देखते हैं। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या है जनाब, कहता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान द एम्प्लायर पेज एन एग्री अमाउंट ऑफ मनी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एट रेगुलर इंटरवल्स इन टू अ पेंशन फंड ऑफ द एम्प्लाइज। तो पेंशन फंड क्या है, जिस हमें प्रोविडेंट फंड है वो तो वो गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, उसको हमने पेमेंट करनी है। द अमाउंट ऑफ मनी दैट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स इज यूजुअली फिक्स परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय वेज सैलरी 5%। वो कहता है कि वो एक फिक्स परसेंटेज होती है, उस लॉ बाई लॉ होती है कि आपने इतने परसेंटेज देना है हमें, तो उतने परसेंटेज जो है वो आपको देते हैं। द कंट्रीब्यूशन टू द फंड्स आर इन्वेस्टेड
टू अर्न रिटर्न एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फंड व्हेन एन एम्प्लॉई रिटायर ही और शी पेड अ पेंशन आउट ऑफ द फंड द अमाउंट ऑफ पेंशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई इज नॉट प्री डिटरमिंड बट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एम्प्लॉई। तो वो कहता है वो पे डिपेंड नहीं होता, उस जितनी उसकी एम्प्लॉयमेंट है उसके हिसाब से उसको पैसे मिल जाते हैं वहां से। एज द नेम डिफाइंड कंट्रीब्यूशन इंप्लाइज द कंपनी ऑब्लिगेशन टू पे द पेंशन, कंपनी की जो ऑब्लिगेशन है टू द एम्प्लाई इज लिमिटेड टू द एग्री अमाउंट ऑफ कमीशन, जितनी कमीशन एम्प्लाई ने कर दी है बस उसकी उतनी ही लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा उसकी लाइबिलिटी नहीं है। द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक गुड एनी शॉर्टफॉल इफ द पेंशन प्लान, अगर पेंशन प्लान के पास पैसे कम हो गए हैं तो वो कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एम्प्लाई रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उसके पैसे पूरे करें। इन फैक्ट द एम्प्लाई बेयर्स द रिस्क ऑफ अ पुअर परफॉर्मिंग फंड नॉट द एम्प्लायर। तो एम्प्लाई को बेयर करने का, ये एम्प्लाई का रिस्क है, अगर उसको पैसे नहीं मिलते एम्प्लायर का कोई इसमें रिस्क नहीं है। इसकी अकाउंटिंग कैसी होगी जनाब? कंट्रीब्यूशन टू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम, अकाउंटिंग ऑफ द एम्प्लायर कंट्रीब्यूशंस टू अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड यूजिंग अक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है जी? द कंट्रीब्यूशन पेएबल ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो जैसे आप एक्सपेंस होगा पी एंड एल में चार्ज कर देंगे। एनी अनपेड कंट्रीब्यूशन एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस एंड अक्रूअल लायबिलिटी, एनी प्रीपेड कंट्रीब्यूशंस विल बी शोन एज एसेट। तो अगर आपने एक एडवांस अभी ज्यादा पे कर दिया तो उसको ऐसे शो कर देंगे, अगर आपने भी कम पे किया तो आप उसको एक लायबिलिटी पे कर देंगे, लायबिलिटी शो कर देंगे। अब बात करते हैं जनाब आपसे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की, डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होता है? अंडर द डिफाइंड बेनिफिट प्लान एन एम्प्लॉयर गारंटीज द अमाउंट ऑफ पेंशन डेट इट्स एम्प्लॉयज विल रिसीव आफ्टर दे रिटायर। तो इसमें क्या है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गारंटी दे रहा है कि जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो वो उसको पेमेंट करेगा। ए कंपनी माइट सेव कैश इन टू अ सेपरेट फंड, वो क्या करेगा, वो ये भी पैसे जितने भी आए हैं ग्रेचुटी के, हर साल जो पैसे बच रहा है ग्रेचुटी का, पे नहीं कर रहा, वो किसी सेपरेट फंड में उसको रखेगा जस्ट एज फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान इन ऑर्डर टू बिल्ड अप एन एसेट डेट कैन बी यूज टू पे द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज वेन दे रिटायर। अच्छा, ये जो डिफाइन बेनिफिट प्लान है ना, इसको हम अभी यहाँ से पढ़ते हैं थ्योरी, लेकिन थ्योरी पढ़ने से पहले क्या करते हैं हम, इसका हम जरा इसकी एक न्यूमेरिकल करके आते हैं, तो न्यूमेरिकल के बाद जो है ना ये हमें चीज़ जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। पहले मैं इसका न्यूमेरिकल करता हूँ जी आपको, ताकि आपको चीज़ समझ आए ये थ्योरेटिकल क्या बात कर रहा है। जब तक अगर न्यूमेरिकल आप नहीं करेंगे ना आपको थ्योरेटिकल समझ नहीं आएगा, तो पहले हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं ताकि थ्योरी आपको जल्दी समझ आए। देखें जी क्या है न्यूमेरिकल। डिफाइन बेनिफिट अकाउंटिंग, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 34 दिसंबर 2016। ये एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट द जर्नल टू शो द मूवमेंट इन द डिफाइंड बेनिफिट अकाउंट्स। अब ये होता क्या है डिफाइंड बेनिफिट प्लान, थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे दूँ। उल्टा होता ये है कि हमने कहा कि हमारे पास इंप्लाइज हैं, अगर यहाँ से थोड़ा सा इसको हम देखिए, ये कंपनी है, उस कंपनी ने कहा कि मेरे पास एक एक एम्प्लाई है, मिस्टर ए जो है मेरा एम्प्लाई है। अब मिस्टर ए ने क्या करना है, मिस्टर ए ने जो है अगले 10 साल तक जो है मेरे साथ काम करना है, ठीक है जी। मैंने ये प्लान किया, मैंने कहा ये 10 साल बाद छोड़ के जाएगा तो मुझे इसको 10 लाख पे करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर साल जो है मुझे 1 लाख रुपए जो है वो सेव करना है। 10 साल, अगर मैं 10 साल के बाद उसको 10 लाख दूंगा तो उस टाइम हो सकता है मेरे पास पैसे ना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार देखो ये एक्सपेंस है, ये 10 साल का हो रहा है, तो इसको मैं 10 पे डिवाइड करके इसको 10 साल के लिए बुक करूंगा। हर साल जो है मैं 1-1 लाख जो है इसका बुक करूंगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं सैलरी एक्सपेंस को जो है डेबिट करूंगा पी एंड एल में, और क्रेडिट क्या करूंगा टू ग्रेचुटी पेबल, अगर ये ग्रेचुटी पे कर रहा हूँ तो, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, हर साल 1-1 लाख पे करता रहूंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर साल एक एक्सपेंस बढ़ रहा है पी एंड एल में जा रहा है। अब पी एंड एल का मतलब क्या है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इन कैश होता है, जो बाद में कैश आप डिविडेंड के तौर पे कर देते हैं। अब वहाँ पे जो है ये कैश स्टोर होता जा रहा है, अब एक्सपेंस तो बुक हो रहा है लेकिन कैश पे नहीं हो रहा, तो ये कैश क्या है, इसी कैश जो है मेरे पास सरप्लस आ जा रहा है हर साल।
अब हर साल क्या है, मेरे पास एक इस एक पर्टिकुलर इम्प्लॉय का जो है 1 लाख रुपये मेरे पास इकट्ठा मेरी सेफ मेरे ड्रॉर में पड़ा हुआ, तो वो चोरी भी हो सकता है, वो मैं खुद भी खा सकता हूँ। तो इम्प्लॉय क्या करते हैं, वो कहते हैं बजाय कि 1 लाख हम जो है अपने सेफ में रखें कैश, ये कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, मैं इससे किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लेता हूँ, मैं कोई नेशनल बॉन्ड परचेज कर लेता हूँ जिसपे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, जिसमें कोई रिवार्ड मिलेगा। उससे क्या होगा कि जब मुझे कैश की जरूरत होगी, मैं वो बॉन्ड तोड़ाऊंगा, तोड़ा के उसको एम्प्लाई को पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं कि आप इसको आप एक प्लान एसेट बना देते, प्लान एसेट, इस पैसों को आप इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्लान एसेट। और जो आपकी लायबिलिटी आती है, इसको बोलते हैं डिफाइंड डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो जैसे जैसे आपकी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन बढ़ती जाती है, वो आप पैसा उठाओ के जो है प्लान एसेट पे डालते जाते हैं, तो उस तरह प्लान एसेट जो है ग्रो करता जाता है। तो ये होता है, जैसे जब आप जब बंदा छोड़ के जाएगा, तो हम क्या करेंगे, प्लान एसेट्स को जो है वो इनकैश करेंगे। अगर आप इसकी एंट्री देखें, तो एंट्री यहाँ पे क्या हो रही है, लाइब्रेरी तो बुक हो गई, तो आप क्या करेंगे, कैश को आप ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्लान एसेट पे। अब ये प्लान एसेट में चला गया कैश, हर साल एक लाइब्रेरी जनरेट हो रही है और प्लान एसेट जनरेट हो रहा है, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो जब ये बंदा रिटायर होकर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम कैश को वापस लेके आएंगे और प्लान एसेट को जो है वो क्रेडिट कर देंगे। और फिर अब क्या करेंगे, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे और डिफाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन जो है उसको डेबिट करके हम अपनी ऑब्लिगेशन पूरी सेटल कर देंगे। इस तरह जो है ये फ्लो चलता है इसका, ठीक है जी। अब इसको आप ध्यान में रखिएगा, अब हम इसके इसका न्यूमेरिकल करते हैं कि इसका न्यूमेरिकल कैसे होगा। यहाँ देखिए जी क्या हो रहा है, यहाँ हम दोनों चीजें साथ साथ चलाएंगे। हम कहते हैं जनाब, एक हमारे पास क्या है, प्लान एसेट है, प्लान एसेट, और एक क्या है हमारे पास, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है। तो दोनों को हम साथ साथ चलाएंगे, और यहाँ पे इसको हम करेंगे नेट, हम कहेंगे दोनों का नेट आंसर यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है जी। अब सबसे पहले इसे क्या दिया हुआ है, इसने कहा हुआ है कि फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट, ये आपका स्टार्टिंग है, एट द एंड ऑफ द ये स्टार्ट हो रहा है, जब एटिंग ये स्टार्ट हो रहा है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस जो हमें प्लान एसेट का दिया हुआ है, वो कहता है ये फेयर वैल्यू प्लान एसेट जो है वो 900 का है, और आपके पास जो ऑब्लिगेशन है वो 1850 की है, ठीक है जी। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, इसको मैं कहता हूँ ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। तो लाइब्रेरी का जो बैलेंस है, इसको हम माइनस कर लेते हैं, ब्रैकेट में कर लेते हैं, बल्कि उसको हम रेड मार्क कर लेते हैं, तो वो इजी रहेगा, हमें पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है। अच्छा 2 मिनट का ब्रेक करेंगे, जरा अजान हो रही है, अजान के बाद इसको शुरू करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक करेंगे जरा।
चलो जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी यहाँ पे हो गया जी एसेट्स, उसके बाद चलते हैं कहते हैं सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट। तो पास सर्विस कॉस्ट जो होगी ये अपने आपकी सर्विस कॉस्ट है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस डेबिट होगा और पी एंड लाइब्रेरी क्रेडिट हो जाएगी, और इसका फिक्स एसेट में कुछ नहीं जाएगा, यहाँ पे जो आपकी लाइब्रेरी जो है इससे इंक्रीज हो जाएगी। कहता है कंट्रीब्यूशन पेड इन द प्लान, प्लान में कंट्रीब्यूशन पे हुआ तो लाइब्रेरी में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपका प्लान जो कंट्रीब्यूशन पे हो रहा है उसमें जो है आपका 150 जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद कहता है बेनिफिट पेड आउट ऑफ द प्लान, तो बेनिफिट पे होंगे तो जब पेमेंट होती है कैसी होती है, पहले हम एसेट से पैसे निकालते हैं फिर लाइब्रेरी पे करते हैं, तो एसेट जो आपका कम हो जाएगा और आपकी लाइब्रेरी भी जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद कहता है जी इंटरेस्ट डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट 10% है, 10% आपने इंटरेस्ट देना है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का एक रूल बताता हूँ, होता क्या है वो कहता है जितना इंटरेस्ट आप लाइब्रेरी में पे करेंगे उतना ही आप पे जो है आपको प्लान ऐसे पे आपको इनकम भी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जनाब आपके जो लाइब्रेरी है उस पे 10% की तरह बनेगा, 185 जो है आपको इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है जी। तो 185 जो है आप इंटरेस्ट पे करेंगे, और इसी तरह जो है आपका जो 900 है उस पे जो है आप इंटरेस्ट गेन करेंगे 10%। तो इंटरेस्ट जो है हमेशा आपका जो है ओपनिंग रेट, जो ओपनिंग रेट होगा उसी रेट से इंटरेस्ट लगेगा, और जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसी पे लगेगा, क्लोजिंग बैलेंस में नहीं लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं जब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो जैसे ही हम इसका ओपनिंग बैलेंस लेते हैं साथ ही हम इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन सीक्वेंस जा रहा हूँ क्वेश्चन के, तो मैंने इंटरेस्ट जो है वो उसके सामने ऐड किया है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो आप क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस एड इंटरेस्ट, तो साथ ही आप इंटरेस्ट उसमें ऐड कर देंगे ताकि आपको कन्फ्यूज ही नहीं ना हो कि इंटरेस्ट किस रेट पे आएगा। तो हमेशा जो इंटरेस्ट है वो ओपनिंग बैलेंस पे आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद जनाब इसके क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए, वो कहता है जनाब इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, प्लान ऐसे क्लोजिंग बैलेंस 850 है, और आपकी लाइब्रेरी का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1960 आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, ठीक हो गया जी। तो यहां तक आपको समझ आ गया, देखें ये ओपनिंग हमने एसेट्स लिया, हमने कहा ओपनिंग एसेट्स जो 900 का है उसके अंदर हमने कहा जनाब जो जो आपने पास सर्विस कॉस्ट जो है उसकी एंट्री की होती है पी एंड एल डेबिट और लाइब्रेरी क्रेडिट, तो उसमें एसेट्स प्लान एसेट्स नहीं आता, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती, उसको हमने अटैच कर दिया। हमने प्लान एसेट पे कंट्रीब्यूशन की 150 रुपये की, उस 150 रुपये से कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस बढ़ जाएगा आपका, उसमें ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हमने हमने जो है पेमेंट की है बेनिफिट पेड आउट ऑफ द प्लान, तो प्लान से पेमेंट पेमेंट होगी तो पहले प्लान को हम डिसॉल्व करेंगे पैसे वहाँ से निकालेंगे, तो 60 वहाँ से माइनस कर दिया। और उसके बाद जनाब हमने उसमें जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे आता है हमेशा, और वो हमने इसमें ऐड कर दिया 90 के हिसाब से, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 950। हम देखते हैं कि हम जब 900 में 150 ऐड करके 60 माइनस करके 90 ऐड करते हैं तो वो 150 नहीं आता, यहाँ एक बैलेंसिंग फिगर आती है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है अभी वो आता है 230 का, तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, जब ये 230 यहाँ पे आएगा तब आपका बैलेंस जो है वो 850 आएगा, ठीक हो गया जी। इसी तरह हमने प्लान ऑब्लिगेशन बनाया, ऑब्लिगेशन हमने का जो ओपनिंग बैलेंस जो है 1850 है उसमें हमने 90 का जो हमने करंट सर्विस कॉस्ट की उसमें ऐड कर दिया। फिर हमने कंट्रीब्यूशन प्लान एसेस भी की थी, यहाँ पे नहीं की थी तो यहाँ पे डैश हो गया। हमने पेमेंट की, लाइब्रेरी कम हुई, 60 माइनस कर दिया। फिर हमने कहा जी इंटरेस्ट इस पे लिया, हमने ओपनिंग बैलेंस 10% 185 आ गया, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 960 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पे कितनी बनेगी, वो 105 बनेगी, ठीक हो गया। अब ये अकाउंट बोला आपका टिल अकाउंट जो है मैच करके, अब वो कहता है, अब कहता है स्टैंडर्ड कहता है आप देखें आपने क्या करना है, आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आपने लाइब्रेरी भी दिखाई हुई है और एसेट भी दिखाया हुआ है, तो स्टैंडर्ड कहता है यहाँ पे इसको आप सेट ऑफ करके दिखाते हैं हमेशा। आप देखते हैं जो चीज़ ज्यादा है वो दिखाते हैं, जो चीज़ कम है उसको आप उसके साथ सेट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि वो कहता है प्लान एसेट को आप बिजनेस डिफाइन बैलेंस ऑब्लिगेशन के साथ सेट ऑफ करें। उसकी वजह ये है कि जो प्लान एसेट जो है इसका शेयर होल्डर से लिंक नहीं है, इसको तो हमने एक लाइब्रेरी के लिए के साथ अटैच किया हुआ है, इसको इसको लेना है और लाइब्रेरी को खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे इसको हम सेट ऑफ करके जो है जो अमाउंट ज्यादा है उसी को शो करेंगे। तो यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी जो है वो 1850 है और एसेट 900 का है, तो हमारे 950 जो है वो हम क्या करेंगे, हम अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे,
किस माह से डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन जो है हमारी ज्यादा है, तो हम यहाँ पे 950 जो है हम अपनी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन जो है वो शो करेंगे। ठीक है जी, अब आगे जाएं, अब 90 आया, अब 90 से क्या हुआ, ऑब्लिगेशन बढ़ गई है, तो इसमें अब ऑब्लिगेशन में ऐड कर दें इसको। फिर 150 से आया, 150 से क्या होगा, 150 से ऑब्लिगेशन कम हो जाएगी, तो 150 यहाँ से माइनस कर दें इसमें से। मैं इनको दोनों को नेट कर रहा हूँ, सेट नेट करके लिख रहा हूँ कि हमने हमने हम दो प्लान एसेट्स हम जो है वो एसेट्स में दिखाना चाहते थे और डिफाइंड ऑब्लिगेशन और लाइब्रेरी में दिखाना चाहते थे, लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा कि आप सेट ऑफ करके एक चीज दिखाएं, आप दोनों मत दिखाएं। तो हमने देखना है कि हम दोनों में से क्या चीज दिखाएं, तो हमने कहा जी ओपनिंग बैलेंस में जो है लाइब्रेरी ज्यादा है, तो हम लाइब्रेरी दिखाएंगे। अब मैंने कहा लाइब्रेरी 950 से आएगी, अब किन चीजों से लाइब्रेरी बढ़ रही है उनको ऐड कर देंगे, जिन चीजों से कम हो रही है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 90 से देखिए लाइब्रेरी बढ़ रही है, तो हमने ऐड कर दिया। 150 जो है वो एसेट्स में गया है, तो वो एसेट्स में नजर आना चाहिए था, तो एसेट्स तो हमने दिखाना नहीं है, तो क्या करेंगे लाइब्रेरी को कम कर लेंगे। अब 66 जो है वो दोनों तरफ माइनस है, तो वो दोनों तरफ है, तो एक वो आपकी दो वो उसका उसका कोई इफेक्ट जो है वो नेट में नहीं आएगा, वो माइनस एसेट भी कम हो जाएगा, लाइब्रेरी कम हो जाएगी, नेट में जीरो हो जाएगा। इसके बाद जो है इंटरेस्ट, जो है इंटरेस्ट आप देखें नेट करें, 185 आपने लाइब्रेरी में देना है और 90 आपको बेनिफिट लेना है, तो इसका जो डिफरेंस होगा 95 जो है उससे जो है आपकी लाइब्रेरी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद 230 जो है आपका जो है वो करेंट है, और 105 जो है नेगेटिव है, तो आपका 125 जो है आपका लाइब्रेरी जो है इंक्रीज हो जाएगी। आपका एसेट्स जो कम होगा वो 230 से कम हो रहा है और लाइब्रेरी 105 से कम हो रही है, तो इसका मतलब लाइब्रेरी को मजीद 125 से कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है जी, उसके बाद जो फाइनल आप देखें जो आपका एसेट्स से लाइब्रेरी टोटल है, तो टोटल में भी लाइब्रेरी आपकी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है आपकी लाइब्रेरी, 1110। ठीक हो गया जी, अब यहां देखें आपने इसका नेट करके आपने बता दिया कि हम बैलेंस शीट में और पीएनएल में क्या क्या लेके जाएंगे। अब इसमें देखें पीएनएल में क्या क्या चीजें जा रही हैं। ठीक है जी, तो आप देखें ये एक आपका पीएनएल में जा रहा है और आपका इंटरेस्ट जो है पीएनएल में जा रहा है। ठीक है जी, तो दोनों को आप जमा करें तो 185 जो है आपका पीएनएल में जा रहा है। ये क्या है, ये आपकी कैश पेमेंट है, इससे आपका कैश कम हो रहा है। ठीक हो गया जी, ये जो चीज है आपकी इसका डिफरेंस कितना है, 950 और 160, इससे क्या हो रहा है आपकी लाइब्रेरी इंक्रीज हो रही है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, तो इससे आपने अपनी लाइब्रेरी को इंक्रीज करना है। अब हम सारी देखें, हम देख रहे हैं कि एक एक हमारी जो फिगर्स आई हैं ये कहाँ कहाँ जा रही हैं, तो हमने कहा ये बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, और इसका इफेक्ट कितना होगा, इसने इसने लाइब्रेरी बढ़ी है 160 से, ये हमारा पीएनएल में गया, ये हमारा कैश कम हुआ, ये हमारा पीएनएल में गया। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये कहाँ जाएगा, वो कहता है इसको आप ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, इसको आप ओसीआई में रखो। ठीक है जी, अब हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं। अब देखिए पीएनएल सबसे पहले बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कितनी इंक्रीज हो रही है, 160 से इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप 160 में से बैलेंस शीट में इंक्रीज करेंगे। आपने कैश पे किया, कैश कैरिड हुआ 150 कैरिड हो गया, पीएनएल आपने कितना किया, आपने कहा 185 से पीएनएल डेबिट हो जाएगा, डेबिट कर लिया, और ओसीआई जो है आपका 125 से ओसीआई जो है आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी, वो हमने यहाँ पे ऊपर 125 ओसीआई रखा हुआ। तो ये सारी जो फिगर्स आपकी थी जो हमने नेट करके लेके आए थे, आप इन सारे फिगर्स को आपने क्या किया, इन सारे फिगर्स को आपने एंट्री में कन्वर्ट कर दिया, और ये इसके हमने एंट्री पास कर दी। हमने कहा जनाब जो हमने अभी नेट शेयर में ली थी हमारी लाइब्रेरी इंक्रीज हुई, हमने कहा जनाब 150 से हमारा कैश गया, 85 से हमारा ओसी आया और हमारा ये एक्सपेंस आया, तो इसको हमने क्या एंट्री पास कर ली। इसी तरह हम पीएनएल को ऐड करेंगे 185 से, ओसीआई को हम डेबिट करेंगे 125 से,
कैश हम क्रेडिट करेंगे 150 से, और हम लाइब्रेरी को इंक्रीज करेंगे, ओपनिंग बैलेंस को इंक्रीज करेंगे 160 से। तो ये सारा फ्लो था आपका जो आपने जो है हमने यहाँ पे देखा। अब हम सारे इसको इसको हम इसी चीज को हम थ्योरी में पढ़ेंगे। अब जो है आपको इसकी थ्योरी समझ आएगी। डिफाइन बेनिफिट प्लान। अच्छा जी, इसको हम दोबारा पढ़ते हैं कि क्या कह रहा था। कहता है अंडर डिफाइंड बेनिफिट प्लान द एम्प्लॉयर गारंटीज द अमाउंट ऑफ पेंशन डेट इस एम्प्लॉय विल रिसीव आफ्टर देयर रिटायर। द कंपनी माइट सेव कैश इन टू अ सेपरेट फंड, जिसको हमने कहा था प्लान एसेट है, जस्ट एज फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान इन ऑर्डर टू बिल्ड अप द एसेट दैट कैन यूज बी टू पे द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज वेन दे रिटायर। दिस वुड नॉन एज डिफाइंड फंडेड प्लान। तो अगर आप किसी कहीं पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये फंडेड है। तो अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उसको बोलेंगे अनफंडेड है। इफ एन एम्प्लॉयर डज नॉट सेव अप दिस वे प्लान डिस्क्राइब्ड एज अनफंडेड द अमाउंट दैट एम्प्लॉय विल रिसीव इज यूजली लिंक्ड टू द नंबर ऑफ ईयर्स दैट ही और शी वर्क विद द कंपनी एंड साइज ऑफ फॉर हर और एनुअल सैलरी रिटायरमेंट डेट। डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स आर ऑफन नोन एज फाइनल सैलरी स्कीम। इफ देयर आर इनसफिशियंट फंड्स इन द प्लान टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद द गारंटी पेंशन देन एम्प्लॉयर मस्ट मेक अप द शॉर्टफॉल द रिस्क रिमेन विद द एम्प्लॉयर। तो रिस्क किसके पास है? रिस्क तो एम्प्लॉयर के पास ही है। अगर पैसे कम पड़ जाएंगे तो उसको जेब से पे करना पड़ेगा। रूल ऑफ एन एक्चुअरी। एन एक्चुअरी इज अ हाईली क्वालिफाइड स्पेशलाइज। अब क्या होता है कि स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है देखें जी, आप प्लान तो कर रहे हैं, आपने आपने कहा जी हर साल 1 लाख 1 लाख रुपये की लाइब्रेरी आप होगी जो प्लान में लगाएंगे, इस पर रिकॉर्ड सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन आप क्या करें, आप एक बाहर से एक एक वैल्यूएटर को बुलाएं, उसको आके कहेंगे और चेक करो कि आप जितने पैसे सेव कर रहे हो कि उतने पैसे सही है कि नहीं है, कि आप ज़्यादा पैसे सेव कर रहे हो या पैसे कम पैसे सेव कर रहे हो। तो एक जो जो वैल्यूअर होता है वो एक क्वालिफाइड पर्सन होता है जो बाहर से आता है, वो आपकी कंपनी में आके आपकी अपनी कंपनी का सिस्टम देखता है और देखता है कितने बंदे हैं, कितने बंदे काम कर रहे हैं, कब छोड़ के जाते हैं, पास हिस्ट्री क्या आती है, फ्यूचर हिस्ट्री क्या होगी, उसके हिसाब से वो कहता है जनाब आपको इतने पैसे जो है सेव करने चाहिए। फिर आप देखते हैं आप कितने सेव कर रहे हैं, जो डिफरेंस होता है उसको आप जो है वो आगे या पीछे कर लेते हैं। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है। दे एडवाइस कंपनीज ऑन द कंडक्ट ऑफ देयर पेंशन प्लान। एन एक्चुअरियर विल एडवाइज द कंपनी हाउ मच टू पे टू कंट्रीब्यूट इन द पेंशन प्लान ईच ईयर इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशियंट फंड टू कवर द कंपनी ऑब्लिगेशन टू मेक द पेंशन प्लान। तो यहाँ पे जब भी एक्चुअरियर आएगा वो वैल्यूशन करेगा, वो आपसे डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को क्या करेंगे हमेशा याद रखिएगा, उस डिफरेंस को जो है ना आपने OCI में डालना है, क्योंकि उसको अपने P&L का पार्ट नहीं बनाना। दिस इन्वॉल्व मेक अ लार्ज नंबर ऑफ एस्टिमेट्स। फॉर एग्जाम्पल द एक्चुअरी हैज टू एस्टिमेट द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट बेनिफिट, उसके अपने जो अजम्पशंस होंगी वो सारी लेगा और उसके हिसाब से जो आपको जो है वो वर्किंग करके देगा। इट इज वेरी अनलाइकली दैट द एक्चुअरी एस्टिमेट्स विल बी 100% एक्यूरेट। तो 100% एक्यूरेट तो कोई भी नहीं हो सकता। सो वेन एवर द वैल्यू ऑफ द पेंशन फंड एसेट्स एंड द एम्प्लॉय पेंशन ऑब्लिगेशंस आर मेजर्ड, द कंपनी मे फाइंड दैट देयर इज अ डायरेक्ट और डेफिसिट और सरप्लस। तो यहाँ पे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। व्हेन एन अमाउंट ऑफ द एम्प्लॉय फ्यूचर पेंशन ऑब्लिगेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द पेंशन फंड, द फंड इज डेफिसिट और अदरवाइज क्या होगा, वो ज्यादा होगा तो वो सरप्लस में चला जाएगा। व्हेन द सरप्लस और डेफिसिट अकर देन एम्प्लॉय माइट टेक नो एक्शन। कोई एक्शन आप नहीं लेना, आपको P&L को चार्ज नहीं कर देना। दिस वुड बी द केस व्हेन द एम्प्लॉय बिलीव दैट द एक्चुअली एक्सम्पशंस मे नॉट बी ट्रू इन द शॉर्ट टर्म बट विल ट्रू इन द लॉन्ग रन। अल्टरनेटिवली द कंपनी माइट डिसाइड टू एलिमिनेट द डेफिसिट नॉट नेसेसरी इमीडिएट टू मेकिंग द एडिशनल कंट्रीब्यूशंस इनटू द फंड। व्हेन द फंड्स इज इन सरप्लस द एम्प्लॉयर माइट स्टॉप मेकिंग कंट्रीब्यूशंस टू द फंड्स। तो वो बैलेंस कर लेगा, वो कहेगा ठीक है अभी पैसे कम है तो ज्यादा डाल देते हैं, अगर ज्यादा है तो उसमें से निकाल लेते हैं, या फर्दर पैसे जो है वो कम डाल देते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। डिफाइन अकाउंटिंग कैसे होगी? द पेंशन आर पेड बाय द डिफाइंड प्लान विच इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द कंपनी, हाउ एवर द कंपनी हैज द लीगल ऑब्लिगेशन टू पे द पेंशन। तो आप क्या करते हैं, आप ट्रस्ट भी बना सकते हैं।
एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो वो क्या करेगा, ट्रस्ट बना देगा। उस ट्रस्ट में सारी कंपनियां पैसे फेंकेंगी और उस वो ट्रस्ट जो है वो सारे को सबको कंट्रोल करेगा। लेकिन ऑब्लिगेशन जो है वो कहता है ऑब्लिगेशन तो एम्प्लाई की रहेगी, अगर वो ट्रस्ट पे नहीं कर पाएगा तो भी एम्प्लाई पे करेगा। द डिफाइंड बेनिफिट प्लान इज अ स्पेशल एंटिटी सेटअप इन ऑर्डर टू हैंडल द लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी। तो सेपरेट कंपनी तो है, लेकिन क्या इसमें इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो आपकी एम्प्लायर की आएगी। अब बैलेंस शीट में क्या शो होगा जी, कहता है आईएएस 90 रिक्वायर्ड एन एंटिटी टू मस्ट रिकॉग्नाइज द डिफाइंड बेनिफिट आइटम नेट लायबिलिटी। नेट देखिए, नेट लायबिलिटी हमने बात की थी अभी, प्लान एसेट्स और अनडिफाइंड ऑब्लिगेशन, उसको नेट करके आपने लेके जाना है बैलेंस शीट में। अगर आपका प्लान एसेट ज्यादा है तो आप एसेट दिखाएंगे, और अगर आपकी ऑब्लिगेशन ज्यादा है तो आप ऑब्लिगेशन दिखाएंगे, एसेट नहीं दिखाएंगे। ड्यू टू द डेफिसिट और एन एसेट ड्यू टू द सरप्लस, तो सरप्लस होगा तो आप एसेट दिखाएंगे, डेफिसिट होगा वो लायबिलिटी दिखाएंगे। इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन द नेट डिफाइंड बेनिफिट डिफाइंड लायबिलिटी एसेट्स इन द डेफिसिट सरप्लस इज मेजर्ड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड। तो आप ये करना है, आपने कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ले ली है, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन जो है उस पे आप जो है लायबिलिटी शो करेंगे। लेस क्या करेंगे इसमें से, इससे सब लेस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, जो प्लान एसेट आपका है, प्लान एसेट की फेयर वैल्यू जो है वो इसमें से माइनस करके जो बैलेंस होगा आपका आप उठा के लाइब्रेरी में ले जाएंगे। कहता है इस सरप्लस इज डिफाइंड बेनिफिट प्लान इज मेजर्ड एट लोअर ऑफ। अब वो कहता है सरप्लस आ गया, अगर आपका प्लान एसेट की अमाउंट ज्यादा है और लाइब्रेरी की अमाउंट कम है तो अब आपको प्लान एसेट दिखाना है। तो वो क्या कहता है, कहता है आप लोअर दिखाएंगे किसका, द सरप्लस डिफाइंड बेनिफिट। आपने कहा जी सरप्लस जो है वो 100 रुपये से आ रहा है, 100,000 से आ रहा है सरप्लस आ गया, तो मुझे एक 1 लाख का एसेट दिखाना है, तो क्या दिखा दूं। वो कहता नहीं, अब एक चीज और बताओ क्या, द एसेट सीलिंग, एसेट सीलिंग है इस पे, अभी हम एसेट सीलिंग का डिस्कस करने वाले हैं, विच इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक। कहता है आप ही देखो कि जो आपका प्लान एसेट है उससे फ्यूचर में कितने इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाले हैं और उसके प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो मैंने कहा यार इससे ये जो मेरा प्लान एसेट है जिसकी आज फेयर वैल्यू 1 लाख है, इसको जो फ्यूचर में जो है इससे मुझे जो बेनिफिट आने वाले हैं वो जो है वो 2 लाख के, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 80,000 बन रही है। तो वो कहता है फिर आप क्या करेंगे, आप जो प्लान एसेट है वो 80,000 पे शो करेंगे, विच एवर इज लेस पे, ठीक है। अगर इसके इसके फ्यूचर बेनिफिट जो है वो 2 लाख, फ्यूचर बेनिफिट जो है 2 लाख के आने वाले और उसके प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 2 लाख बनती है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये 100 उठाएंगे, विच एवर इज लेस पे। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि जनाब आपकी तो फ्यूचर फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट है उसमें से माइनस करेंगे ऑब्लिगेशन को, जो बचेगा वो आपका एसेट है। लेकिन आप ये देखेंगे कि आपकी वो जो वैल्यू है 1 लाख रुपये जो शो करने जा रहे हैं एसेट्स एज एसेट्स, उस एसेट्स के जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। मैंने कहा वो तो 80,000 बनती है, तो वो कहते हैं फिर आप 80,000 के एसेट शो करेंगे, आप 1 लाख का जो है एसेट शो नहीं करेंगे, ठीक है जी। इसको बोलते हैं एसेट सीलिंग, ये भी आप आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेशन क्या है जी, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इज द प्रेजेंट वैल्यू विदाउट डिटेक्टिंग एनी प्लान एसेट्स। अभी प्लान एसेट्स के अलावा जो प्रेजेंट वैल्यू मिलती है लायबिलिटी की है ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर पेमेंट्स रिक्वायर्ड टू सेटल ऑब्लिगेशन फ्रॉम द एम्प्लाई सर्विसेज करंट एंड प्राइम पीरियड्स। वो कहता है जितनी आपने जो है वो पे करनी है उसको फ्यूचर में, जो आपने जो आप जो जो आप हर साल एक एंट्री पास करते जा रहे हैं, एक्सपेंस डेबिट लाइब्रेरी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट लाइब्रेरी क्रेडिट, तो वो जो लाइबिलिटीज है उसकी वो बात कर रहा है कि वो जो लाइबिलिटी है उसको आपने प्रेजेंट वैल्यू पे शो करना है, ठीक है जी। कहता है द ऑब्लिगेशन इज एस्टिमेटेड टू बाय एन एक्चुअरी एंड इज बेस्ड ऑन द एक्चुअरी एस्टिमेट्स एंड अजम्पशंस। आईएएस 90 रिक्वायर्स दैट इट मस्ट बी मेजर्ड यूजिंग द प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड यूजिंग द डिस्काउंट रेट अवेलेबल एट हाई क्वालिटी कॉर्पोरेशन। तो वो कहता है यहाँ पे आपने क्या कहता है, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड, तो इसको आप इस्तेमाल करके जो एक्चुअरी होता है वो क्या कहता है, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड निकाल से जो है वो जो है क्या नाम आपका इसकी वैल्यूएशन करता है मूवमेंट फॉर द पीरियड। अब पीरियड की मूवमेंट क्या है, द मूवमेंट ऑफ द बेनिफिट आइटम्स आर ड्यू
द मोमेंट पेन को क्या होता है, एक मिनट भाई, पेन पेन काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया। चलो यहाँ से काम कर लेते हैं। अच्छा, द मोमेंट ऑन द डिफाइंड बेनिफिट आइटम्स आर ड्यू टू कैश कंट्रीब्यूशन टू द प्लान, करंट सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट, गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट, नेट इंटरेस्ट एंड ओसीआई। वो कहता है जो मोमेंट होगा वो कैसे होगा, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले क्या करता है कि आपने कंट्रीब्यूशन कितना करना है, ठीक है जी। तो आप सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी है प्लान एसिस में। द मोमेंट ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट आइटम ड्यू टू कैश कंट्रीब्यूशन, आपका कैश कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है। हमने भी देखा था हमने पिछले क्वेश्चन में, हमने 150 रुपये कंट्रीब्यूट किया था तो उन्होंने प्लान एसिस उससे इंक्रीज हो गया था। फिर सर करंट सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट जो है वो आपकी पीएनएल को चार्ज होती है। उसके बाद पास सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट क्या होती है, आपने एस्टिमेट किया कि जनाब हमारी ग्रेचुटी जो है वो हमने एक एक हर साल 1-1 लाख रुपए जो है वो साइड पे रख के एक जो है एसेट में प्लान एसेट में डालना है, और 10 साल के बाद में 10 लाख पे करना है। तो हमारे साथ 1-1 लाख रखेंगे, लेकिन जब 5 साल खत्म हुए तो आपको पता चला यार आपको 1-1 लाख नहीं रखना था, आपको हर साल जो है 2-2 लाख रखना था। तो वो किस तरह कहता है, ये जो आप 5 साल में खड़े हुए हो और आपको पता था कि हर साल मुझे 2 लाख रखना था, लेकिन आप तो 1-1 लाख रखते हुए आ रहे हो। इट मीन जो पिछले 4 साल थे, पिछले 4 साल में आपने 4 लाख रुपए कम कम सेव किए हैं। तो वो क्या, वो पास सर्विस कॉस्ट है। तो वो कहता है ये जो पिछले साल जो आपने 4 लाख कम किए हैं, वो इस साल के एज इट जो है आज ही जो है वो 4 लाख जो है एक्सपेंस बुक कर लो। उसको आप 4 लाख को अगले अगले साल में डेफर नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, वो 4 लाख का जो पास सर्विस कॉस्ट है वो आज करंट ईयर में जो है, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो प्रोस्पेक्टिव होता है, तो इसका आप क्या करेंगे, आज 5 साल में क्या करेंगे, 2 साल तो इस 2 लाख तो इस साल का आप बुक करेंगे, और पिछले साल का जो 4 लाख है वो भी साल बुक करके आप 7 लाख से एंट्री करेंगे, और अगले सालों में आप 2-2 लाख बुक करेंगे। तो पास सर्विस कॉस्ट जो है जैसी जिस जिस साल आपको पता चलेगी उसी साल जो है वो पीएनएल को चार्ज हो जाएगी। गेन एंड लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ फाइनेंस पीएनएल, वो कहता है अगर आपने सेटलमेंट की है, जब आप सेटलमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, आप एसेट को तोड़ेंगे, आप कहेंगे प्लान एसेट क्रेडिट और कैश डेबिट, फिर आप लायबिलिटी को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर इसमें आपको कुछ आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो पीएनएल को चार्ज करेंगे, और आपको कोई कम पे करना पड़ रहा है तो आप पीएनएल को चार्ज करके एज ए इनकम शो कर देंगे। तो सेटलमेंट पे क्या होगा, पीएनएल इफेक्ट करेगा। नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम और पीएनएल, वो कहता है आप क्या करेंगे, आप जितनी इंटरेस्ट आपको लायबिलिटी देनी है और जितना इंटरेस्ट आपको एसेट से मिलना है उसको नेट करके आप जो है वो पीएनएल में शो कर देंगे। रीमेंबर ओसीआई, वो कहता है रीमेंबर जो है, जो आपका डिफरेंस आता है ठीक है ना जी, वो डिफरेंस कब जाएगा आपको ओसीआई में जाएगा, ये आपका अनरियलाइज है। तो ये क्या डिफरेंस कब आएगा आपका, देखें इसका पहले ये इसके दो दो तरीके हैं इसको। पहला तरीका कब है, डिफरेंस कब आएगा, आपने कहा कि एक्चुअरियर आया, उसने वैल्यूएशन की, उसने कहा यार आपने कितनी लाइब्रेरी दिखाई हुई है, आपने कहा मैंने 10 लाख की लाइब्रेरी दिखाई हुई है, वो कहता है नहीं लाइब्रेरी तो आपकी 1-11 लाख की बनती है, लाइब्रेरी को इंक्रीज कर लो। तो वो क्या कहता है, वो कहते हैं डिफरेंस जो है जो आप इंक्रीज करोगे लाइब्रेरी को एक्चुअरी के कहने पे, तो जो आपकी एक्चुअल बुक से डिफरेंस आएगा उसको आपने ओसीआई में रखना है, ज्यादा हो या कम हो तो आप क्या करेंगे दूसरे फिर उसको ओसीआई में डालेंगे। दूसरा है ओसीआई कब आएगा, अब आपने कहा कि जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ऑब्लिगेशन पे ऑफ प्लान एसेट पे, वो आप एक ही सेम रेट से कर रहे हैं, जैसे हमने अभी इलस्ट्रेशन में 10% से किया। अब अगर प्लान एसेट पे एक्चुअल इंटरेस्ट जो है वो 15% आ रहा है, तो जो 5% एक्स्ट्रा आ रहा है वो आप ओसीआई में रखेंगे, उसको आप पीएनएल में इनकम नहीं दिखा देंगे, ठीक है जी। तो ये दो चीजें जो है ये आपकी ओसीआई में आएंगी। नोट दैट द बेनिफिट पेड हैज नो इफेक्ट एज इंट्रोड्यूस द प्लान एसेट एंड ऑब्लिगेशन। वो आपने पे किया ना 60 60, आपने माइनस किया 60 वहां से माइनस किया आपने, तो वो जो प्लान आपने पे किया है उससे दोनों आपके एसेट भी कम हो रहा है, लाइबिलिटी भी कम हो रही है, तो नेट शेयर में उसका इफेक्ट जीरो जा रहा है। वो यही बात कर रहा है कि उसका इफेक्ट जो है वो नेट शेयर में जीरो होगा। मोमेंट रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट पीएमएल क्या क्या आएगा, डिफिनेशन करंट सर्विस कॉस्ट आएगी, पास सर्विस कॉस्ट आएगी, नेट इंटरेस्ट आपका आएगा, और सेटलमेंट में जो एक्सपेंस या प्रॉफिट होगा वो आपका पीएनएल में जाएगा। ये सारी बातें हमने ऊपर कर ली।
उसके बाद कहता है ओसीआई, रीपेमेंट का तरफ ओसीआई। ओसीआई में क्या होगा, एक्चुअली गेन एंड लॉसेस, जो एक्चुअली से डिफरेंस आएगा आपका वो सारा पी एन ओसीआई में जाएगा। द रिटर्न ऑफ प्लान एसेट, तो रिटर्न ऑफ प्लान एसेट जो है वो आपके जो जो आपने लायबिलिटी पे इंटरेस्ट चार्ज किया उससे ज्यादा जो है वो आपकी कितनी जाएगी, वो आपकी ओसीआई में जाएगा। एंड चेंज द इफेक्ट ऑफ एसेट सीलिंग, एसेट सीलिंग वैसे कोई इफेक्ट आ रहा है वो अभी एसेट सीलिंग आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो भी जो इफेक्ट जो है वो आपको ओसीआई में जाएगा। एक्चुअली गेन एंड लॉसेस आर चेंजेस इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइन ऑब्लिगेशन प्लान्स और एसेट फॉर्म। तो जो एक्चुअली में जो डिफरेंस आएगा वो भी आपका कितना जाएगा, वो आपका ओसीआई में जाएगा। कहता है स्टेप वन में क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट एंड नोट टू शो द नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी आप कैसे शो करेंगे, अभी हमने कहा हमने क्या कहा देखें जी, और एसेट्स का ओपनिंग क्या था, एसेट्स का ओपनिंग अभी हमने लिया उसमें से लायबिलिटी का ओपनिंग लिया, तो जो नेट शेयर था अगर ये लायबिलिटी ज्यादा है तो लायबिलिटी में जाएगा, एसेट ज्यादा तो एसेट में जाएगा। इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस जो है उसका नेट शेयर में जो डिफेक्ट होगा ये इफेक्ट जो है, या आपका आपकी जो है वो है लायबिलिटी बनेगा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन बनेगा, या आपका यार डिफाइंड बेनिफिट एसेट बन जाएगा। स्टेप टू में क्या होगा, पहले स्टेप में हम लोग हमने देखा ना अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें पहले स्टेप में यही किया था, हमने देखा था कि आपके एसेट ज्यादा है कि लायबिलिटी ज्यादा है, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। दूसरा स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग जनरल, आपने जनरल का बनाना है, आपने देखना जी पी एंड एल को क्या चार्ज किया आपने, ठीक है, फिर आपने ओसीआई को क्या चार्ज किया, आपने कितना कैश पे किया और कितनी आपकी लायबिलिटी या एसेट्स इंक्रीज हुआ, वो आप यहाँ से एंट्री पास करेंगे। अभी हमने न्यूमेरिकल में ऐसी एंट्री पास की थी। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई प्रॉफिट एंड लॉस, आप देखें जी करंट कॉस्ट पी एंड एल में, पास सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट, सेटलमेंट वगैरह सारा आपका पी एंड एल में जाएगा। तो ये जनाब आपके एलिस्ट्रेशन सारे पॉइंट्स है और ये हमने न्यूमेरिकल में सॉल्व किया है सारा। तो इस न्यूमेरिकल को जो है इसने हमने सारा अभी सॉल्व करके देखा, ये इसकी एंट्रीज ने पास की है, ठीक है जी, एंट्रीज आगे बना दी है, आप जब देखेंगे सारे इसने यहाँ बनाई हुई एंट्री, ठीक है ना जी, जो हमने वर्किंग की थी उस वर्किंग हिसाब से इसने एंट्री पास कर ली है। तो ये सारा इसका अल्टरनेटिव वे भी दे रहा है, ठीक है, अल्टरनेटिव अप्रोच से हमने इसको सॉल्व किया था अभी, तो सारे सोल्यूशन जो हमने की थी वो यहाँ पे ऑलरेडी इसने ये इसने नेट बेसिस पे दी हुई है, ये पूरा क्वेश्चन है और इसको उसने यहाँ पे ये देखिए ये नेट बेसिस हमने अलग अलग किया करके बनाया था, उसने उसको इकट्ठा करके बनाया। हमने कहा था प्लान एसेट पहले हमने बनाया था, फिर डिफाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन बनाई थी, फिर हमने कहा था तीसरा कॉलम नेट है जो भी हमने सॉल्व किया ऊपर, तो ये उसने यहाँ पे बना के दिया वो आपको, फिर उसके बाद उसने एंट्री पास की इसकी। तो ये सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ। ओके, तो ये उसने वही जो जो हमें तरीका किया था ऐसे डायबिलिटी दोनों उसे बनाई है, साथ उसने उसके जो है वो नेट बनाया और उसने इसको सॉल्व किया, तो इसने सारा तरीकों से आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है, ठीक है जी। अब आता है जनाब एसेट सेलिंग। एसेट सेलिंग क्या होती है, एसेट सेलिंग उन्होंने बात अभी की, हमने कहा देखें जी हमारा एक एसेट था, हमने कहा प्लान यहाँ जैसे हम यहाँ पे शो किया, हमने कहा जी हमारा ऑब्लिगेशन कितना, हमारा ऑब्लिगेशन ये है, हमारा एसेट ये है, तो नेट हम क्या करेंगे, हम ऑब्लिगेशन शो करेंगे, हम एसेट शो नहीं करेंगे। अब अगर हमारा एसेट जो है, हमारा एसेट जो है, हमारी लायबिलिटी जो है वो 2,000 की होती और हमारा एसेट जो है वो 3,000 का होता, तो हमारा एसेट ज्यादा था, हम कहते हैं हम 1,000 का एसेट शो करेंगे, ठीक है जी। स्टैंडर्ड कहता है ये फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है आपकी ज्यादा है, तो आप एसेट पर आके शो करते हैं, आप कहेंगे ये डिफाइन नेट डिफाइन बेनिफिट एसेट्स आप शो कर देंगे बैलेंस शीट में। अब वो कहता है इस पे एसेट पे सीलिंग लगेगी, सीलिंग क्या होती है, रूफ, रूफ को सीलिंग होते हैं, तो वो कहते हैं इस पे सीलिंग लगेगी। ओके, क्या सीलिंग लगेगी सर, वो कहते हैं देखिए जी आप, आपको पता चल गया कि 1,000 रुपया आपने शो करना है, लेकिन अब ये देखिए जो एसेट आपने प्लान एसेट बनाया हुआ है इससे फ्यूचर में क्या बेनिफिट आपको होने वाले हैं, उस बेनिफिट की जो वैल्यू कितनी है उसकी उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनाओ, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आप बनाओगे उसको इससे कंपेयर करो, अगर वो प्रेजेंट वैल्यू कम बनती है तो फिर वो शो करो, अगर ज्यादा बनती है तो ये शो करो, बस ये चीज हमें देखनी है इसमें। क्या कहता है जी, कहता है एसेट रिक्वायर्स दैट द एंटिटी मस्ट रिकॉग्नाइज अ डिफाइंड बेनिफिट आइटम नेट नेट लायबिलिटी ड्यू टू डेफिसिट और एसेट ड्यू टू सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। तो बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, अगर ज्यादा होगा तो अपना एसेट दिखाना है। द नेट डिफाइंड लायबिलिटी एसेट्स
इज डेफिसिट और सरप्लस एंड इज मेजर्ड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड ऑब्लिगेशन लेस द फेयर वैल्यू। तो वो अभी बात की थी ऊपर कि आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बैलेंस शीट की जो लाइब्रेटी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेके आएंगे, उसमें से आप फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट माइनस कर देंगे तो आपकी आपकी जो है वो लाइब्रेरी शो हो जाएगी। लेकिन अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है तो फिर आप क्या करेंगे, आप एसेट बनाएंगे। हाउएवर इफ द नेट आइटम ऑफ द सरप्लस इज इट सब्जेक्ट टू अ टेस्ट व्हिच पुट द सीलिंग ऑन द अमाउंट डेट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इज नाउ नेट एज ए सीलिंग। लेकिन अगर आपने सीलिंग लगा दी है वो क्या है, कहता है द सरप्लस इज डिफाइंड बेनिफिट इज मेजर्ड लोयर ऑफ। लोयर क्या है जनाब, वही बात के सरप्लस की जो अपनी वैल्यू क्या है, हमने कहा जी अपनी वैल्यू 1,000 है, वो कहता है एट से सीलिंग क्या करें, कहता कहता है कहता विच इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी इकोनॉमिक बेनिफिट्स अवेलेबल फ्रॉम द रिफंड फ्रॉम द प्लान। कहता जब आपको आपको इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो पता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, जब मैं एसेट को सेल करूंगा तो मुझे कैश मिलेगा, उस कैश की आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, या रिडक्शन इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशन टू द प्लान। वो कहता है आप जो प्लान का आपने फ्यूचर फ्यूचर कंट्रीब्यूशन करनी है, जिससे आपने कहा था हम हमने 10 लाख का चाहिए था, 10 साल बाद हर साल हम 1 लाख की कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो वो जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, उसकी रिडक्शन कर देते हैं, वो एसेट सेलिंग है हमारी। तो कितनी रिडक्शन आप कम करते हैं, ठीक है जी, तो वो अमाउंट या जो इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाले हैं उसके प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो तीन चीजें यहाँ पे हमने, दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। आपने क्या करना है यहाँ पे, आपने कहना है जनाब आपका एक सरप्लस आ रहा है, ठीक है जी, इसको आपने कंपेयर करना है, एक आपका सरप्लस हो गया, एक आपका क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और एक आपका तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज वो कहता है रिडक्शन इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशन, रिडक्शन इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें से जो चीज कम होगी उससे आपने जो है वो एसेट शो करना है, विच एवर इज लेस लोअर, बस ये आपके एसेट चलेंगे। तो उसने एक एक सीरियल लगा दिया, उसने कहा भैया देखो इन तीन तीन चीजें आप कैलकुलेट करो, इन तीन चीजों में से जो सबसे कम होगा वो आपका जो है वो आपका आपका एसेट बनेगा, ठीक है जी। इसको मजीद देखते हैं, इस पर न्यूमेरिकल आ रहा है, ये न्यूमेरिकल देखते हैं जनाब क्या कह रहा है। कहते हैं डिफाइंड अकाउंटिंग ऑफ एसेट सेलिंग, एसेट सेलिंग की अकाउंटिंग कर दिया आप, अब वही हम उसको इसको उसी तरह करेंगे। हम क्या कहेंगे, हम बनाएंगे इसका पहले प्लान एसेट्स, फिर डिफाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन, और यहां पे इसको हम कर लेते हैं नेट, ठीक है जी। तो अब इसका एसेट्स कितना है, 1150, और लाइब्रेरी कितनी है इसकी, 1100, उसको मैं माइनस कर देता हूँ लाइब्रेरी को, ठीक हो गया। अब जनाब आप देखें यहाँ पे उसने कहा जो एसेट सीलिंग है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स अवेलेबल ड्यू टू रूल्स इन जुरिसडिक्शन, वो कहता है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितना है वो 40 है। आप देखिए आपका एसेट सरप्लस कितना है, आप सरप्लस देखें ये 1150 आपको दिया हुआ है, 1150 आपको दिया हुआ है एसेट्स का, और उस पर लाइब्रेरी कितनी दी हुई है 1100, इसका मतलब सरप्लस कितना हुआ, मेरा सरप्लस मेरा 50 हुआ, तो मुझे 50 से प्लान ऐसे शो करना है। लेकिन हमने क्या बात की, हमने कहा तीन चीजों को देखना है, नंबर वन सरप्लस कितना है 50 है, नंबर टू प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितना है, वो यहाँ पे उसने 40 दिया हुआ है, तो विच एवर इज लोयर, तो लोयर क्या है 40, तो हम 40 को क्या करेंगे, हम 40 को जो है हम इसका एसेट सीलिंग बनाएंगे, हम इसकी इसकी एसेट सीलिंग कितनी है 40 है। तो नेक्स्ट शेयर में हम क्या लेके जाएंगे, नेक्स्ट शेयर में हम 40 लेके जाएंगे, नेक्स्ट शेयर में 15 लेके जाएंगे, तो जो एसेट्स हमें शो करना है नेट नेट करके वो हम 50 शो नहीं करेंगे, हम कितना शो करेंगे, हम उसको 40 शो करेंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब आगे चलते हैं सर्विस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट से क्या होगा, सर्विस कॉस्ट से आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और नेट शेयर में 125 आ जाएगा। अब क्योंकि ये एसेट्स है, ठीक है जी, हम ऐसे से शो किया ऊपर शो ऐसे शो आ रहा है, तो 125 से एसेट में क्या फर्क पड़ेगा,
लाइब्रेरी बढ़ रही है तो एसेट भी बढ़ जाएगा, 140 में 125 ऐड हो जाएगी, ठीक है ना जी। हम नेट सेल भी देख रहे हैं ना, नेट सेल में हमने हमने लाइब्रेरी लाइब्रेरी जो है शो नहीं की, हमने एसेट शो किया। तो जब जब लाइब्रेरी बढ़ेगी तो नेट सेल में क्या होगा, लाइब्रेरी तो नहीं बढ़ा रहे हम एसेट्स को बढ़ा लेंगे। दूसरी तरह से क्या होगा, हमारा एसेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है जी। लाइब्रेरी लाइब्रेरी हमारी बढ़ रही है लेकिन हम लाइब्रेरी शो कर रहे हैं, हम एसेट शो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स को कम कर लेंगे। हमने लाइब्रेरी बनाई थी, हमने नहीं बनाई, तो हमने क्या किया उसके अगेंस्ट किया कि हमने अपने एसेट्स को कम कर लिया, तो दोनों बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद एसी कंट्रीब्यूशन टू प्लान एसेट, प्लान एसेट में एसी की कंट्रीब्यूशन हुई, लाइब्रेरी में कुछ नहीं गया, प्लान एसेट बढ़ गया तो एसेट हमारा यहाँ पे आ रहा है, एसेट को हम इंक्रीज कर लेंगे। बेनिफिट पेड, पेड हुए तो 130 से प्लान एसेट कम हुआ, 130 से लाइब्रेरी कम हुई, नेट शेयर में कुछ नहीं गया। इंटरेस्ट कितना है, 10%। अब 10% इंटरेस्ट कितना है, 10% इंटरेस्ट जनाब 110, इसका 10% 1100 का 110। अब यहाँ पे कितना है, 1150 है, लेकिन उस पर हमने एड सीरिंग लगाई हुई है, सीरिंग लगाकर उसको 10 कम कर लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1140 के ऊपर जो है हम इंटरेस्ट निकालेंगे, वो बनेगा 114, ठीक हो गया जी। अब हमारा जो है वो 44 जो है इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है जी। 4 से हम क्या करेंगे, एसेट्स को इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है ना जी। 114 से एसेट इंक्रीज हुआ, लाइब्रेरी 110 से इंक्रीज हुई, नेट शेयर में एसेट कितने इंक्रीज हुआ, 4 से इंक्रीज हुआ। क्लोजिंग बैलेंस देखें जनाब, इसका जो एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1395 है, और लाइब्रेरी का कितना है, 1315 है। अब इसका एसेट सीलिंग कितना है, ठीक है जी। अब इसका डिफरेंस कितना है, वो कहता है इसका जो आपकी बैलेंस शीट है, इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है, इसका जो एसेट सीलिंग है वो कितना है, 65 है, ठीक है जी। तो इसका एसेट सीलिंग कितना कर देंगे हम, इसका एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें ना आप, आपका कितना है, 1395 माइनस 1315, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका आ गया 80, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए था, 80 होना चाहिए था, क्लोजिंग एसेट्स, ठीक है ना जी। डेट शेयर में लेके जाना है ना, लेकिन उसने कहा एसेट सीलिंग कितनी है, 65 है, तो हम क्या करेंगे कि हम सीलिंग पे लेके जाएंगे इसको। हमने कहा जो एसेट्स है वो आपका जो है वो 65 पे क्लोज हो जाएगा, नेट एसेट कितने का आएगा, 65 का आएगा, नेट एसेट जो है वो 80 का नहीं आएगा, क्योंकि उस पर एसेट सीलिंग लगी हुई है। अब इसको आप एंट्री को बैलेंस करें तो जहाँ जो बैलेंसिंग फिगर इसकी आएगी वो ओसीआई में जाएगी और वो आपकी बनेगी 66। तो ये आपका ट्रीटमेंट था एसेट सीलिंग का, कि आपने क्या करना है, आपने एसेट सीलिंग का इफेक्ट जो है डालना है, आपने देखना है कि आपका एसेट कितने का बनता है, आपका एसेट बन रहा है 50 का, लेकिन सीलिंग कितनी है, 40 की है, तो आप क्या करेंगे, आप 40 शो करेंगे, विच एवर इज लेस। इसी तरह क्लोजिंग एसेट जो है वो आपका 80 का बनता है, लेकिन सीलिंग कितनी है आपकी, सीलिंग आपकी है 85, 65 की, तो आप 65 का जो है क्लोजिंग एसेट शो करेंगे और बैलेंस जो है वो आपका ओसीए में जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी एंट्रीज उसे पास की हुई आपकी, देखिए जी 66 आपका ओसीए में गया, 80 आपने कैश में किया, ओसीए आपका आया और आपका पीएनएल में आ गया, ये आपकी एंट्री बन गई, तो ये आपका इफेक्ट आ गया एसेट सेलिंग का। आगे आ जाइए मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान क्या होते हैं, सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी आप, क्योंकि आप ऑनलाइन अगर आप आए क्लास करें तो आपको ज़रा आइडिया हो, कोई आप क्वेश्चन मुझसे करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ आपको बताई जाए ताकि जब आप ये लेक्चर सुने तो आपको मज़ा आए। चलें जी आगे, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान क्या होते हैं, ए मल्टी एम्प्लॉयर प्लान्स आर डिफाइंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। तो ये कंट्रीब्यूशन प्लान है, कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होते हैं, जिसमें आपके पास एम्प्लॉयर के पास कोई रिस्क नहीं होता, जो आप जहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिए है वो इन्वेस्टर जो है वो आपको आपके एम्प्लॉय को पे करता है, आपका कोई रोल नहीं होता। या डिफाइन बेनिफिट प्लान, डिफाइन बेनिफिट, डिफाइन बेनिफिट क्या होते हैं, जिसमें रिस्क जो है एम्प्लॉय के पास होता है। पूल द एसेट्स कंट्रीब्यूटेड बाय वेरियस एंटिटीज दैट आर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल, ठीक है जी। वो कहता है पूल द एसेट्स कंट्रीब्यूटेड बाय वेरियस एंटिटीज दैट आर नॉट
अंडर कॉमन कॉन्ट्रैक्ट मॉडल कंसीडरेशंस एंड यूज दोज एसेट्स टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज फॉर मोर देन वन एंटिटी ऑन द बेसिस दैट द कंट्रीब्यूशंस और बेनिफिट्स लेवल्स आर डिटरमिन्ड वेदर विदाउट रिगार्ड टू द आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटी एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज। यहाँ पे वो कहता है कि जनाब आपका मल्टीपल मल्टी एम्प्लॉय प्लान्स क्या है कि आपकी मल्टी मल्टीपल एंटिटीज इकट्ठी हुई और उन्होंने इकट्ठी होकर एक नया नया ट्रस्ट बना दिया, ठीक है। अब वो ट्रस्ट जो है वो क्या करता है, वो सारे जो जो उसकी ग्रुप कंपनीज हैं उनसे जो है वो पैसे इकट्ठे करता है, उसको इन्वेस्ट करता है, पूरे एम्प्लाइज का डाटा रखता है, जब एम्प्लाइज आते हैं तो उसको वो पेमेंट करता है। अब यहाँ पे कहता है कि ये जो जो ट्रस्ट है ये एज ए कंट्रीब्यूशन प्लान भी काम कर सकता है, ये एज ए डिफाइंड बेनिफिट प्लान भी काम कर सकता है, दोनों काम कर सकता है, तो डिपेंड करता है उसके उसके नेचर पे, क्योंकि उसकी नेचर क्या है। एनी मटेरियल प्लान मस्ट बी क्लासिफाइड एज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और डिफाइंड बेनिफिट प्लान। इफ द एंटिटी पार्टिसिपेट इन द मल्टीपल एम्प्लॉय बेनिफिट डिफाइंड बेनिफिट प्लान इट मस्ट बी काउंट फॉर इट्स प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन प्लान एसेट्स एंड कॉस्ट। तो वो सारा जिस तरह हमने भी काउंटिंग की है उसी तरह जो है वो सारा काम करेगा, बस वो एक अलग से जो है वो एक नया ट्रस्ट बन जाएगा। ग्रुप प्लान क्या होता है, ग्रुप प्लान भी सर तकरीबन ये एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान जो है इसी तरह का होता है। कहता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स दैट शेयर रिस्क बिटवीन एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल आई पेरेंट एंड सब्सिडीज आर नॉट मल्टीपल प्लान प्लान। मल्टीपल प्लान टाइप प्लान नहीं है बल्कि ये क्या है, जो जो पेरेंट्स और सब्सिडीज हैं उन्होंने मिलकर बनाया हुआ है, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन कैसी होगी इसकी, आप इसको ऑफसेट कर सकते हैं, हमने कहा ऑफसेट कब कर सकते हैं, जब वो लीगल लीगली अलाउड हो आपको, या आपकी इंटेंशन हो, क्या इंटेंशन है कि आपने जो है वो नेट बेसिस पे सेटल करना है या जब रियलाइज होगा तभी उसको आपने पे करना है। तो वही कंडीशन जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के आए थे वो सारी की सारी जो है सेम ही है। अब वो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कैसे सेटअप किया था, तकरीबन वही वही जो है वो कट पेस्ट किया हुआ यहाँ पे, तो मैं इसको ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हमने ऑलरेडी जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कस किया हुआ है। बाकी इसका डिस्क्लोजर है वो पढ़ लीजिएगा कि आपके इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी है, ठीक है जी। अब आ गया जनाब इफ्रिक आ गया इसका, इस इफ्रिक में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। इफ्रिक में वो कहता है कि आप देखें जी लिमिट क्या है, द लिमिट ऑन डिफाइंड बेनिफिट एसेट्स, जो एसेट्स है उस पर क्या लिमिट है, मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है कि मिनिमम मैंने कितनी फंडिंग करनी है। मैं कहता हूँ प्लान एसेट्स बनाने हैं तो जो प्लान एसेट्स बनाने हैं उसमें कितने कितने मिनिमम मैंने फंड्स भेजने हैं, क्या हर साल मुझे इसमें 1 लाख देना है, क्या कम से कम हर साल उसमें 2 लाख देना है, तो वो रिक्वायरमेंट जो है वो देखूंगा कि अगर मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो मुझे उसके हिसाब से कितनी लाइबिलिटी शो करनी है, कितना एसेट शो करना है, और फिर उसका उसकी जो है आपस में इंट्रक्शन जो है वो जो है उसमें जो है उसको हम देखेंगे कि इसकी इंट्रक्शन कैसी होगी। ये जो बेनिफिट एसेट्स हैं जो हमारा सरप्लस आया था और जो हमने कहा था कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन करनी है, तो अब इनकी इंट्रक्शन कैसी होगी, तो ये सब चीज़ें जो है इसका जवाब हमें IAS 19 नहीं देता, इसका जवाब जो है हमें ये IFRIC 14 देगा। तो वो क्या कहता है, यह कहता है लिमिट ऑन द डिफाइंड बेनिफिट एसेट्स मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट एंड देयर इंट्रक्शंस, इसके बैकग्राउंड क्या है, इस IFRIC की बैकग्राउंड क्या है। कहता है एज एक्सप्लेन्ड अबव IAS 19 लिमिट्स द मेजरमेंट ऑफ द नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट्स टू द लोअर ऑफ द सरप्लस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स एंड द एसेट सीलिंग। अभी हमने बात की थी ना कि जो 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 एसेट्स बनेगा जब अगर नेट एसेट आ रहा है तो उसको हमने किस पे रखना है, हमने या तो उसको उसकी उस फेयर वैल्यू पे रखना है या हमें उसको एसेट सीलिंग पे रखना है। अब वो कहता है इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिफंड फ्रॉम द फॉर्म ऑफ रिडक्शन ऑफ द फ्यूचर कंट्रीब्यूशन, तो तीनों में से जो विच एवर इज लेस है उस पे हमने एसेट्स को रखना है। अब क्या हुआ जनाब, हाउ एवर IAS डज नॉट गिव गाइडेंस ऑन व्हेन रिफंड और रिडक्शंस इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस शुड बी रिगार्डेड एज अवेलेबल पर्टिकुलरली व्हेन ए मिनिमम फंड रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट। वो कहता है जी आपने ये तो बात कर ली, आपने कहा ठीक है हम एक प्लान एसेट बनाएंगे और प्लान एसेट क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होगी, लेकिन अगर आपने उसके किया आपको आपने कहा हमारा तो एसेट बन गया, तो अब आप अगर आपने एक मिनिमम लिमिट रखी हुई है कि हर साल हमको जो है ना 1 लाख रुपए जो है वो इसमें फंड में कंट्रीब्यूशन करनी है, तो उसको उसको आपने कंट्रीब्यूशन करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो है एक्सेस पड़ा हुआ है। हमने कहा जी हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है, वो सरप्लस जो है वो 1000 के हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें हर साल जो है मिनिमम जो है 200K जो है वो हमें कंट्रीब्यूशन करनी होती है। तो अब आप ये बताएं कि हम कंट्रीब्यूशन करें कि ना करें, क्योंकि हमारे तो ऑलरेडी सरप्लस पड़ा हुआ है,
तो वो चीजें जो है हम स्टैंडर्ड में डिस्कस, यहाँ पे इफ्रिक 40 में हम डिस्कस करें कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो इफ्रिक हमें ये कहेगा, वो कहेगा जनाब देखो सर आपका तो ऑलरेडी सरप्लस पड़ा हुआ है, तो इसको इसकी जरूरत ही नहीं है। बेशक आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है लेकिन आपकी ऑब्लिगेशन तो नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सरप्लस पड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे ऑब्लिगेशन, जो आपकी ऑब्लिगेशन 2800 की जो ऑब्लिगेशन नहीं होगी वो हम ये हम जो है स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। हम आगे जाके इसको देखते हैं कि ये कैसे करता है। अब कहते हैं मिनिमम फंडम रिक्वायरमेंट, मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट इन मेनी कंट्रीज टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो वो कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि भाई आपने आपको जो है आपको मिनिमम जो है वो फंड में कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी ताकि जो आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है वो जो आपको आपको सेफ तस्वर करें कि जनाब बाई लॉ जो है ना इस मेरे एम्प्लॉयर जो है वो इस फंड के अंदर पैसे देने देने हैं। कहता है सच रिक्वायरमेंट्स नॉर्मली स्टिपुलेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन डेट मस्ट बी पेड टू अ प्लान ओवर द गिवन पीरियड, देयरफॉर अ मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट मे लिमिट एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू रिड्यूस फ्यूचर कंट्रीब्यूशन। दिस इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी टू मेक कंट्रीब्यूशन टू फंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान। तो ये रिक्वायरमेंट आप फंडेड में जो है फंडेड डिफाइंड बेनिफिट प्लान में करेंगे। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मिनिमम फंड रिक्वायरमेंट माइट रिजल्ट अ लीगल रिक्वायरमेंट टू मेक द पेमेंट टू द प्लान अकॉर्डिंग टू ICE 19। द मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट माइट रिजल्ट इन द पेमेंट ऑफ प्लान वुल टर्न अ प्लान डेफिसिट इन टू प्लान सरप्लस। ठीक हो गया जी। द इंट्रक्शन ऑफ मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट एंड द लिमिट ऑफ ICE 19 एसिड सेलिंग टेस्ट हैज टू पॉसिबल इफेक्ट। क्या है जनाब? नंबर वन, इट माइट रिस्ट्रिक्ट द इकोनॉमिक बेनिफिट अवेलेबल एज आर रिडक्शन इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशन। तो कहता है कि आप कितना इसको फ्यूचर कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो उसमें रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं आपको। उसके बाद मे गिव राइज टू अ लाइबिलिटी इफ द कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड अंडर द मिनिमम फंडिंग। तो आप जो लाइबिलिटीज है उसको आप देख सकते हैं कि कितनी हो सकती है, इसके इशू है। इशू के बाद आप देखते हैं कि कैसे काम करेगा। तो पहला कहते हैं देखते हैं हम पहले इसके पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ बेनिफिट। आपके पास जो बेनिफिट अवेलेबल है उसकी हम देखते हैं कि उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। स्टैंडर्ड कहता है एन इकोनॉमिक बेनिफिट एज अ रिफंड और रिडक्शन इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस इज अवेलेबल इफ द एंटिटी कैन रियलाइज इट एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द प्लान एसेट लाइफ ऑफ द प्लान एसेट्स एंड द प्लान लायबिलिटी टू बी सेटल्स। तो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होते हैं कि आप उस एसेट्स के लाइफ के अंदर या जब आप फाइनेंस सेटलमेंट कर रहे हैं तब आपको उसका बेनिफिट मिले। इट डज नॉट हैव टू बी रियलाइज इमिजिएटली एट द तो इंपोर्टेंट डेट पे इसको अपने रिलाइज नहीं होगा। ये कब रिलाइज होगा? ये फ्यूचर में ही कहीं रिलाइज होगा। इकोनॉमिक बेनिफिट अवेलेबल एज रिफंड, इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो रिफंड या कैश की सूरत में अवेलेबल है तो क्या होगा? और अगर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो रिडक्शन इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशन है, फ्यूचर कंट्रीब्यूशन क्या है जो आप प्लान एसेट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसको आप रिड्यूस करते हैं तो फिर क्या होगा? तो दोनों सूत्र हम देखेंगे। पहले कहता है जी अगर आप इकोनॉमिक बेनिफिट जो है आपको कैश में मिल रहे हैं तो क्या होगा? इकोनॉमिक बेनिफिट इज ओनली अवेलेबल इफ अ रिफंड एज अ रिफंड इफ द कंपनी हैज एन अनकंडीशनल राइट। तो वो कहता है इसके लिए आपके पास अनकंडीशनल राइट होना चाहिए तभी आप कहेंगे कि आपको जो है ये आपको जो है वो कैश में मिला है। अगर उस पर कोई कंडीशन लगी होंगी तो फिर हम नहीं मानेंगे, फिर ये कैश में कन्वर्ट हुआ। तो इस पर अनकंडीशनल होना चाहिए तो फिर हम कहेंगे ये रिफंड जो है आपको रिफंड जो है ये कैश में मिलेगा। अनकंडीशनल राइट टू अ रिफंड क्या है? कैन एग्जिस्ट इन वट एवर द फंडिंग लेवल द प्लान रिपोर्टिंग डेट पे जो है उसकी एग्जिस्टेंस देखें आप। कैन नॉट एग्जिस्ट अगर उसमें जो है वो अनसर्टेनिटीज हैं कि फ्यूचर में ये होगा तो यूँ हो जाएगा, वो होगा तो यूँ हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर आप कहते हैं उसको आपको जो है वो एप्लीकेबल उसमें कंडीशंस आ जाएंगी वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब वो कहते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट जो है अवेलेबल है उससे क्या होगा? एज अ रिडक्शन उससे आप रिड्यूस कर देंगे फ्यूचर कंट्रीब्यूशन को, उससे क्या होगा? वो कहते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट अवेलेबल एज अ रिडक्शन इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशन। जो आप फ्यूचर में कंट्रीब्यूशन कह रहे थे हर साल 1-1 लाख की, आप कहते हो यार बेनिफिट ज्यादा है एसेट्स आ रहा है तो हम वो कंट्रीब्यूशन कम कर देते हैं। इज मेजर्ड विद द रेफरेंस टू द अमाउंट दैट द एंटिटी वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू पे हैड देयर बीन नो सरप्लस। दिस इज रिप्रेजेंट बाय द फ्यूचर IAS सर्विस कॉस्ट। देयर आर थ्री सिचुएशन टू कंसिडर। नंबर वन अवेलेबिलिटी इफ देयर इज नो मिनिमम फंडिंग, और अवेलेबिलिटी इफ देयर इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो फंडिंग है या नहीं है तो आप उसको चेक करोगे। और बीच में क्या है? वेदर द मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट मे गिव राइज एज अ लाइबिलिटी। तो या तो लाइबिलिटी जनरेट होगी, ठीक है, या आपने आप फंडेड प्लान एसेट है या अनफंडेड है।
तो आप तीनों चीजों में जो है इस सिचुएशन को आप कंसिडर करेंगे। पहले वो कहता है नो मिनिमम फंडिंग, नो मिनिमम फंडिंग प्रोग्राम, फंडिंग रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। आप बस आपके आपको आप लीगल आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको हर साल कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो फिर क्या होगा, वेयर देर इज नो मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट, मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, मेरी मर्जी है मैं 10 रुपये कंट्रीब्यूट करूँ, मेरी मर्जी है मैं 1 लाख रुपये कंट्रीब्यूट करूँ, तो फिर क्या कहता है, दैट बेनिफिट अवेलेबल इज लोअर ऑफ। तो इतना बेनिफिट ऑफ लोअर ऑफ क्या होगा, द सरप्लस और वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑफ सर्विस कॉस्ट जो हमने पहले बात की, इसका जो लोअर होगा वो जो है वो आपका प्लान एसेट होगा। और अगर मिनिमम फंडिंग होगी तो वो कहता है इफ द एंटिटी हैज एन ऑब्लिगेशन टू पे कंट्रीब्यूशन टू कवर एन एग्जिस्टिंग शॉर्टफॉल टू मिनिमम फंडिंग बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस ऑलरेडी रिसीव, इट मस्ट डिटरमिन वेदर दिस कंट्रीब्यूशन विल अवेलेबल एज अ रिफंड और रिडक्शन इन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इसको हम जो है आगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल से डिस्कस करते हैं। देखिए जी यहाँ पे कहता है एक्स लिमिटेड हैज पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान सब्जेक्ट टू अ मिनिमम फंडिंग, मिनिमम फंडिंग है यहाँ पे कितनी है 200,000 एज अ रिजल्ट ऑन विच इट हैज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट 200,000 टू प्लान ऑन द रिपोर्टिंग, हर साल के एंड पे उसको 2,200 मिलियन जो है वो कंट्रीब्यूट करने करना है, ये मिनिमम उसके रिक्वायरमेंट है। अब क्या होगा 2016 के में क्या हुआ, उसके बाद जो प्लान एसेट्स हैं वो एक उसके एक एक हज़ार 1,200 मिलियन के हैं, और जो उसकी लाइबिलिटीज हैं वो कितनी है 1.1 मिलियन की है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका सरप्लस हो गया, ये सरप्लस क्या हुआ उसका एसेट बन गया, ठीक है जी। अब उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या थी कि उसको 200 उससे कंट्रीब्यूट करने हैं, अब वो मिनिमम लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज और मिनिमम मिनिमम फ्यूचर मिनिमम मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट MFR मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे नील हो जाएगी इसकी। क्यों, क्योंकि उसका सरप्लस आ रहा है। क्या कहता है, द अमाउंट इन द प्लान विल बी अवेलेबल फॉर रिफंड इन द फ्यूचर सो देयर इज नो नीड टू रिकॉग्नाइज अ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे चूंकि आपका सरप्लस आ रहा है तो वो कहता है जो आपका मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट है जो बाई लॉ है उसको आप उस पे जो है आप लाइबिलिटी जनरेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन चेंज हो जाए, आपका जो एसेट सीलिंग है वो भी 100 है और आपका सरप्लस जो है वो 0 आ गया है, अब जो है आपको लाइबिलिटी शो करनी है। कहता है द अमाउंट इन द प्लान्स आर नॉट अवेलेबल फॉर रिफंड इन द फ्यूचर सो देयर इज अ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट। क्योंकि अब आपके आपका आपके पास एसेट्स नहीं आ रहा, आपका सरप्लस जो एसेट्स है वो 0 है, तो फ्यूचर में तो कोई आपको जो है वो रिफंड नहीं होने वाला। तो वो कहता है इसलिए आप क्या करेंगे, आपकी जो लाइबिलिटी है मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आप अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन जो है उसकी आप लाइबिलिटी शो करेंगे कि भाई हमारी मिनिमम कंट्रीब्यूशन है और वो हमारी लाइबिलिटी है उसको कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे कहता है जनाब आपकी मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट है कितनी है 200 मिलियन है, लेकिन कितने परसेंट है 60% है, 60% तक आपने करना है। तो अब यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या आ रहा है, आपके एसेट स्ट्रीम डाल के आपका एसेट कितना आ रहा है, सरप्लस एसेट कितना है 60 है, ठीक है जी। और आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है 60% है, तो 60% कितना बनेगा आपका, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो कहता है देखिए जी, कहता है द प्लान रूल अलाउ फॉर अ रिफंड ऑफ 60% ऑफ द सरप्लस, देयरफॉर 40% इज नॉट रिफंडेबल, एक्स लिमिटेड मस्ट रिकॉग्नाइज अ लायबिलिटी 80 मिलियन 40% ऑफ 200 मिलियन, दिस इज नेट अगेंस्ट द डिफाइंड बेनिफिट एसेट्स ऑफ 60 मिलियन दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज इन द एब्सेंस ऑफ मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी 80 शो करना था, 60 वापस ऑलरेडी है तो हम 20 शो करेंगे, ठीक है जी। ये भी सारा कोई इलस्ट्रेशन दी हुई है। और इसका आखिरी केस जो है वो कहता है इसका इम्पैक्ट क्या है, तो इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं जनाब हमारा क्या है इम्पैक्ट, ये इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। वो कहता है जनाब एक्स लिमिटेड हैज पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट सब्जेक्ट टू अ मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट
एक्स लिमिटेड रिक्वायर्ड टू मेक कंट्रीब्यूशन ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग शॉर्टफॉल। तो यहाँ पे कितना उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 300 मिलियन है। इट आल्सो रिक्वायर्ड टू मेक फर्दर मिनिमम फंडिंग पेमेंट इन द फ्यूचर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन IAS 20 and IAS 56 में। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 56 है। ठीक हो गया जी। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे जनाब उसका एसेट्स कितने हैं, प्लान एसेट कितने हैं, लाइब्रेरी कितनी है। तो आपका नेट सेल में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे लाइब्रेरी कितनी आप रिकॉग्नाइज करेंगे, आप कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू जितनी अवेलेबल है वो माइनस कर देंगे और बाकी की आप क्या करेंगे, लाइब्रेरी शो कर देंगे। ठीक है जी। तो ये सर आपका जो है वो चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो गया। इसके साथ ही जो IAS 19 था ये हमने पूरा कर लिया है। अब हम आई कैप के पास पेपर इसमें देख लेते हैं कि आई कैप के पास पेपर में क्या आया हुआ है फटाफट, तक के थोड़ा सा टाइम वापस है तो आई कैप के पास पेपर में चलते हैं। बुक से हमने पूरा चैप्टर कर लिया है, आई कैप में इसके 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और तो हम इंशाल्लाह अभी तीनों जो है हम सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो मैं पढ़ने लगा हूँ। पहला क्वेश्चन जनाब आपका समर 2019 में क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है। कहता है FL इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंज्यूमर गुड्स, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इवेंट्स हैव बीन अकर्ड 2018 का। FL प्रोवाइड्स अ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम्स टू इट्स एम्प्लॉइज, द स्कीम शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस। क्या बैलेंसेस आ रहे हैं, वो कहता है जनाब इसका जो ओब्लिगेशन है, जो लाइबिलिटी है वो दी हुई ओपनिंग क्लोजिंग, और आपको उसके प्लान एसेट्स दिए हुए हैं, और नेट सेल जो है आपका दिया हुआ है। ठीक है जी। ओपनिंग जो है, ओपनिंग में आपका जो है वो ऑब्लिगेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है आपका सरप्लस ज़्यादा है। ठीक है जो कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम डेट द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट एक्सीड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड ऑब्लिगेशन। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारा जो है एसेट जो है वो लाइबिलिटी से ज़्यादा हो गया। इतना ज़्यादा हो गया, 160 ज़्यादा हो गया। कहता डिस्कस हाउ अबव ट्रांजेक्शन इवेंट शुड बी डेल्ट इन FL बुक्स फॉर द ईयर एंड सर्विस नंबर। तो अब तय कैसे डिस्कस करेगा। कहता जनाब वेयर देयर इज अ सरप्लस इन द डिफाइंड प्लान इट्स इज मेजर नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट्स लोअर ऑफ। जो वही लोअर ऑफ क्या था, सरप्लस और एसेट सेलिंग। एसेट सेलिंग क्या थी, वो ये थी एसेट सेलिंग वुड बी कंप्यूटेड एज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द रिफंड और रिडक्शन इन फ्यूचर इकोनॉमिक प्लान। तो तीनों चीजों से, इन तीनों में से जो चीज लेस होगी उसे शो करेंगे। द इफेक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एसेट्स लोअर अमाउंट वुड बी चार्ज टू OCI। तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम OCI को चार्ज करेंगे। IAS 19 डस नॉट स्पेसिफाई वेदर द एंटिटी शुड डिस्टिंग बिटवीन करंट एंड नॉन करंट पोर्शन ऑफ, वो कहता है करंट और नॉन करंट शो नहीं करना, हम इसको सारा जो है आपको इसको जो है वो नॉन करंट शो करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीडेड अमाउंट ऑफ रिफंड फ्रॉम प्लान रिडक्शन, तो ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है उसका डिस्क्लोजर में जाके आपको दिखाना है। तो ये थ्रेटिकल था सारा कुछ, इसका आंसर जो है वो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई नहीं है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन इसका कब आया, अगला क्वेश्चन इसका आया 2020 में आया। कहता है 2019 में कहता है एच अनाउंसेस अ बोनस स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉई, अंडर द स्कीम ऑल द एम्प्लॉइज कंप्लीटिंग 5 ईयर्स ऑफ सर्विसेज वुड बी एंटाइटल्ड टू बोनस सैलरीज। HR इनकॉर्पोरेटेड इन 2016, सो फर्स्ट एम्प्लॉई वुड कंप्लीट 5 ईयर्स पीरियड इन 2021, देयर फॉर नथिंग वॉज रिकॉर्डेड इन इनिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसका जनाब सारा थ्योरेटिकल आंसर है। ओके, मैं आपसे ये सारा मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर कर दिया हुआ है सारा कुछ। ठीक है जी। अदरवाइज आप सोल्यूशन जो है उसमें सारा दिया हुआ है, तो ये सारा थ्योरेटिकल्स ही हैं। तो इसमें आप देखने पास कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट और OCI जो है उसका वो शो होता है, ये सारा हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ। अब हम इसके अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है ये 2 दिसंबर 2021 में आया है जनाब। ठीक है जी। यहाँ की इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, IAS 26 से आया है, जो इससे रेलिवेंटी है। यहाँ पे इसने डिस्कस नहीं किया, इसमें इसको डिस्कस करना चाहिए था ये स्टैंडर्ड, लेकिन ये डिस्कस नहीं करके गया, इसका न्यूमेरिकल दे गया है, 15-12 नंबर का न्यूमेरिकल है। कहता है प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग रेलिवेंट नोट्स वेदर पॉसिबल एंड फॉर डब्ल्यू ग्रेचुटी फंड ऑन द 31 दिसंबर 2021। तो रेलिवेंट नोट आपने बनाने, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, तो वो ये बातें हैं। यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। हमें तो एक ग्रेचुटी फंड चाहिए। ठीक है जी। तो एक ग्रेचुटी फंड चाहिए हमें, ठीक ग्रेचुटी फंड।
इधर हम ग्रेच्युटी फंड बनाएंगे और इधर हम बनाएंगे जनाब इसका चेंज इन नेट एसेट्स। अच्छी खाना खा लो, सालन भी गरम है, रोटी भी पकी है गरम गरम। ठीक है जी, साथ साथ दोनों चीज़ें चलो बनाते हैं ठीक है, फिर ताकि बाद में क्वेश्चन जो है बताना, जल्दी खत्म हो। मैं तो अच्छा जी, मस्त पहली हूँ। चीज़ क्या है जी? पहले कहता है ये अक्रूड एक्सपेंसेस 2 मिलियन, 0.2 के अक्रूड एक्सपेंसेस हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस क्या है? तो वो आपके यहाँ पे ग्रेच्युटी में जाएंगे 0.2, ठीक है जी, ग्रेजुएट फंड में जाएंगे, उसके माइनस में काट रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो है आपका जो जो चीज़ें इधर आएंगी ग्रेजुएट फंड में, इस तरह लिखता रहूंगा, जो नेट चेंज इन नेट एसेट्स में आएंगी हम उस तरफ दूसरी तरफ लिखता रहूंगा, ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या है? 0.4 क्या है आपका? एक्यूअर फी यहाँ पे आएगा आपका, उसका 0.98। 0.8 क्या है? आपके बैंक बैलेंसेज है, ठीक है जी, 0.98 आपका, इससे आपका फंड जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 0.1 जो है आपका बैंक चार्जेस, उसके बाद जनाब आपका कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड नेट में जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, उसके बाद लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज आपका सिक्सटी 8.2, ये आपका नोट में जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, इन्वेस्टमेंट में आपकी एंड रिजल्ट बाद ले जाएंगे। उसके बाद 43.1, 43 पॉइंट ये क्या क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड, उसके बाद है आपका पेड टू ऑनगोइंग मेंबर्स पेमेंट, उसके बाद आप पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट आपकी, उसके बाद जनाब प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, और फिर आप सर्टिफिकेट परचेज किए, उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट है इसकी। 4.3 क्या है? एन अमाउंट ऑफ 4.3 मिलियन इज पेबल ऑन ऑनगोइंग मेंबर, पेबल टू ऑनगोइंग मेंबर, यहाँ से निकालते हैं, इधर से निकालते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इंक्रीज इन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई आपकी 3.5 मिलियन, तो 3.5 मिलियन यहाँ पे ऐड कर लें आप, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, और यहाँ पे भी आप ऐड कर लें। उसके बाद 0.5 मिलियन क्या है आपका जो है वो है नॉट बीन अक्रूड, अक्रूड नहीं किया आपने, यहाँ पे भी कर लें और यहाँ पे भी कर लें, ठीक हो गया जी। उसके बाद वो बात करता है आपसे, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? द लेटेस्ट एक्चुअल वैल्यूएशंस आर कैरियड ऑन, एक्चुअल वैल्यूएशन कैरियड ऑन की है, ठीक है जी। 13 मिलियन आपका ये आपका ओसीए में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनाब आपके यहाँ पे ऑब्लिगेशन दी हुई उसने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन कितनी है आपकी? 207 है, और प्लान एसेट कितने हैं? प्लान एसेट 68 है, तो नेट शेयर में जो है वो आपका 39 जो है वो बाहर चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है जी। ये डेफिसिट है ऑब्लिगेशन आपकी, इसको आप टोटल कर लें, इन्वेस्टमेंट टोटल करें आप, इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी हो जाएगी आपकी? 156 हो जाएगी, ठीक है जी। आपका इधर आ जाएगा और इनका आपको टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल बनेगा आपका 160 इशारिया, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएगा, तो इसका टोटल बनेगा आपका 160 इशारिया 60, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा आपको बस आपने बताना है कि बैलेंस शीट में जो आपके जो फंड्स हैं उसकी उसकी क्या वैल्यू जाएंगी और नेट शेयर में क्या आ जाएगा, तो मैंने सॉल्व कर दिया, आप देख लीजिएगा आपको समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर हम तो हैं, ठीक है जी। तो आप इतना इजाज़त दें, मेरे ख्याल से अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो शेयर बेस्ड पेमेंट है, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 12 जो है हमारा, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह हम उस पर, IAS 19 का तो हमने पास्ट पेपर भी कर लिया आई कैप के और बुक से भी हो गया,
ठीक है जी, अगर कोई क्यूरी आपकी होगी तो आप नेक्स्ट टाइम क्लास में आए, क्लास में आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं हम लोग, या आप व्हाट्सएप पे आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब पे ये अपलोड हो जाएगा, वहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, वहीं पे मैं आंसर कर दूंगा आपको। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम चैप्टर नंबर 12 जो है वो करेंगे, तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं जी, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।